This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कल बेसिकली हमने थोड़ा सा हम देखे थे, कल में थोड़ा सा स्टोरेज की कमांड्स में हमने देखा था किस तरीके से हमारे को पार्टीशन कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आवाज क्लियर है? जी जी अभी बेहतर है। अच्छा, तो कल हम बेसिकली हमने पार्टीशनिंग का थोड़ा सा देखा था कि हम अटैच करते हैं लिनक्स की मशीन के साथ, तो उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं पार्टीशन करने के लिए। उसके बाद फिर हमने उसको माउंट किया था, तो माउंट का भी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह बेसिकली माउंट होता है सिस्टम। जी 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 तो माउंट किस तरह किया, फिर हमने स्वैप पार्टीशन को देखा जो वर्षन में होती है लिनक्स की, और उसको भी हमने स्वैप पार्टीशन बनाई। उसको फिर हमने जो एग्जिस्टिंग स्वैप स्पेस थी उसके अंदर ऐड किया, और फिर हमने देखा कि परमानेंट एंट्री करने के लिए स्टैक के अंदर एंट्री की, और जो रिकमेंडेड वे था वो हमने देखा कि यूजर आई डी, ई यू आई डी जो होती है किसी भी पार्टीशन की, इंस्टेड ऑफ आप नाम यूज करें आप ई यू आई डी के थ्रू मैपिंग करें स्टैक के। तो ये बेसिकली हमारा था कल के लेक्चर में। तो आज थोड़ा सा हम सिस्टम के प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल होगा नेटवर्किंग का होगा। तो आज का जो मॉड्यूल है वो बेसिकली सिस्टम से हवाले से, कि जो सिस्टम हमारा रेड हैट का है ये इसकी वर्किंग किस तरह होती है, और इसमें डिफरेंट जो सर्विसेज चल रही होती हैं उनकी जो प्रोफाइल है वो किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, और उनको स्टार्ट स्टॉप किस तरह कर सकते हैं, और उससे आगे फिर कॉन्फर्मेशन है कुछ ट्रबल शूटिंग के कुछ स्टेप्स हैं जिसमें रूट का पासवर्ड अगर ब्रेक करना हो, या एफ एस टैब की फाइल जिसने मैंने पहले भी कहा था कि एफ एस टैब में अगर कोई मिस्टेक हो गई हमसे कोई, या कोई ऐसी डिवाइस या पार्टीशन जो है। आवाज आवाज क्लियर नहीं है, कल की तरह नहीं है। अच्छा, एक मिनट ठहरे, मैं दोबारा से। अच्छा, अभी आवाज क्लियर है? हाँ, आप क्लियर है, क्लियर बेहतर है। अच्छा, चलो तो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इस मॉड्यूल की कि किस तरीके से हम इस मॉड्यूल में बेसिकली हमें ये देखना है कि हम सर्विसेज को स्टॉप स्टॉप और सर्विसेज की प्रोफाइल किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, और हम कुछ ट्रबल शूटिंग ऑप्शंस को भी यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, बेसिकली प्रोसेस ये है कि जब आप मैं सिर्फ आपको पहले एक बूटिंग प्रोसेस समझा देता हूँ कि जब आप ऐसी मशीन जिसके ऊपर रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल्ड है आपकी, या सेंटोस इंस्टॉल्ड है, तो प्रोसेस होता क्या है कि जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो इमिडिएटली जो पावर ऑन सेल टेस्ट का एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है बायोज या यूएफआई की तरफ से, जो कि आपके जो हार्डवेयर मॉड्यूल्स हैं उनको टेस्ट वेस्ट करके कैलिब्रेशन एक मेथड होता है उसके थ्रू उनको इनिशियलाइज करता है, और उसके बाद फिर कंट्रोल जो है वो आगे बायोस या ईएफआई यूएफआई जो भी आपने आपके सिस्टम पे मौजूद है उसके थ्रू कंट्रोल ट्रांसफर होता है आपके हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क के ऊपर जो मास्टर बूट रिकॉर्ड या अगर सिक्योरिटी पार्टीशन है तो उसके जो फर्स्ट सेक्टर पे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें उसको ट्रांसफर करता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो
अगर आपकी, मैंने जैसे कल भी बताया था कि दो किस्म की हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, एक MBR बेस्ड और एक GPT बेस्ड। तो MBR की लिमिटेशंस क्या थी कि वो 2 TB तक सपोर्ट करती है, जबकि आपकी जो GPT पार्टीशंस हैं वो ऑलमोस्ट 128 TB तक बेसिकली चली जाती है। तो ये बेसिकली फर्क है उसमें आपकी MBR में और GPT में। तो ये एक तो ये बेसिकली डिफरेंस है, सॉरी नॉट 128 पार्टीशन तक सपोर्ट करती है। तो उसके बाद अब GPT पार्टीशन का एक फायदा ये भी है, GPT अगर आप यूज करते हैं तो उसमें वो बेसिकली जो MBR भी फर्स्ट सेक्टर पे होता है, और GPT का जो इनिशियल बूटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो भी फर्स्ट सेक्टर पे होती है और लास्ट सेक्टर पे भी होती है हार्ड डिस्क में। मतलब तो उसका बैकअप एक लास्ट सेक्टर पे भी होता है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर स्टार्टिंग सेक्टर में इन्फॉर्मेशन करप्ट हो जाए तो लास्ट सेक्टर से दोबारा से उसको रिस्टोर कर दिया जाए। अब उसमें होता क्या है, उसमें बूट लोडर, जो बूट लोडर कहते हैं, या जो प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू ओएस को बूट करना होता है, तो जिसमें विंडोज का बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है, लिनक्स का ग्रब होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, तो इनकी इनका एक सोर्स कोड या इनका एक कनेक्शन पॉइंट पड़ा होता है, तो वहां से कंट्रोल ट्रांसफर होता है बूट लोडर को, और फिर बूट लोडर आगे कर्नल को इनिशियलाइज करता है, और कर्नल फिर आगे फर्दर जो सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको इनिशियलाइज करके उस सर्विसेज को ऑन करता है, और फाइनली एक सिस्टम हमारे पास आ जाता है। अब लिनक्स के अंदर जैसे हम बात करें कि ग्रब की जो बूट लोडर है, जिसको हम ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर कहते हैं, इसको हम बेसिकली ग्रब कहते हैं बेसिकली। तो ग्रब जो है, जब वो कंट्रोल ट्रांसफर करता है आपकी इसको ग्रब जो कंट्रोल ट्रांसफर करता है कर्नल को, तो होता यह है कि कर्नल का एक इमेज होता है, इनिट आर MFS के नाम से आप देखेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, आवाज मेरी सही आ रही है ना? जी, हाँ, क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो ओके, तो हम इसमें अगर जाएं सीडी बूट के अंदर और इसमें हम ls करें, तो आपको ये एक फाइल नजर आ रही होगी, ये init ram fs, ठीक है, ये एक इमेज फाइल है बेसिकली, ये नजर आ रही है। तो ये बूट पार्टीशन जो है, ये आपको याद होगा कि इसमें जितनी भी बूट से रिलेटेड फाइल्स होती हैं वो सारी इसके अंदर होती हैं। तो होता ये है कि जब आप ग्रब जो है वो कंट्रोल ट्रांसफर करता है, तो वो कर्नल का ये जो इमेज है इसको अनपैक करके इनिशियलाइज करता है, और कर्नल जो है फिर सिस्टम डी, जो कि आज हमने डिस्कस करना है, सिस्टम डी एक एक डेमन है लिनक्स का, जिसका प्रोसेस आईडी जो है वो 0 होता है, स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रोसेस होता है, समझ गए, आपके रेड हैट लिनक्स का। और ये फिर इसका काम होता है कि बाकी सर्विसेज को स्टार्ट करना। तो सिस्टम डी जो है वो बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट सर्विसेज ड्यूरिंग बूट प्रोसेस और आफ्टर दैट, अगर जिस तरह बाद में भी सर्विसेज को हमने रिस्टार्ट करना हो या कोई नई हमने सर्विस इंस्टॉल की है उसको स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए फिर हम सिस्टम डी की डेमन को यूज करते हैं एक्चुअली। तो अच्छा, सिस्टम डी जैसा मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा पुरानी लिनक्स में, सर्विस एक आप यूज करते हैं, सर्विस आगे सर्विस का नाम, सपोज आप कहते हैं जी VSFTPD रिस्टार्ट या स्टार्ट, तो ये पुराना सिंटैक्स है जो कि Red Hat 6 और उससे पीछे था, सर्विस VSFTPD स्टार्ट, तो ये हम यूज करते थे। लेकिन 7 एंड अबव और अभी जो 8 है, इसमें हम सिस्टम CTL की कमांड यूज करते हैं, सिस्टम CTL की कमांड ये यूज करते हैं फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग सर्विसेज। तो सिस्टम CTL को हम आज अभी स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो इसको अगर हमने देखना हो, लेट्स सपोज किसी सर्विस को उसका स्टेटस देखना हो, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हम देख लेते हैं सिस्टम सर्विसेज स्टेटस, लेट्स सपोज HTTPD, तो वो कहता है जी HTTPD सर्विस नॉट फाउंड, क्योंकि अभी इंस्टॉल ही नहीं की। हम SSHD कर लेते हैं जो कॉल बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है, तो ये देखें इस तरीके से ये बता रहा होता है कि सर्विस आपकी एक्टिव है, रनिंग है। तो ये जितने भी लिनक्स के अंदर सर्विसेज का पार्ट है, जो सर्विसेज चल रही होती हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन से मुराद के उनको स्टार्ट करना, स्टॉप करना,
उनको बूट टाइम के ऊपर इनेबल करना कि जो अक्रॉस द रीबूट वो जो सर्विसेज हैं वो ये वाली सर्विस बूट टाइम पे स्टार्ट हो, ये वाली ना हो। तो सॉर्ट ऑफ उस पूरे प्रोसेस के लिए हम ये सिस्टम डी, और सिस्टम डी को यूज करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो है सिस्टम सीटीएम। अच्छा, तीन किस्म, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन मेजरली तीन किस्म की ऑब्जेक्ट यूनिट्स कह लें, सिस्टम डी यूनिट्स कहते हैं इनको। मैं एक काम करता हूँ, एक वाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं, नोट पैड यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें इसका। अच्छा, तो सिस्टम डी को यूज करने के लिए हमें चाहिए सिस्टम सीटीएल कमांड हम यूज करेंगे। अब सिस्टम डी के जो यूनिट्स कहते हैं उनको, वैसे तो 7-8 हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो 3 हैं। एक होती है टाइप सर्विस, यूनिट टाइप सर्विस। सर्विस क्या होती है, जैसे मैंने एसएसएचडी सर्विस है, ठीक है, सिस्टम सिस्टम एचटीटीपी डी है। भी एक प्रोसेस है। अच्छा सिस्टम डी पहला प्रोसेस है आपके लिनक्स मशीन का, उसकी प्रोसेस आईडी 0 होती है, ठीक है, पहला प्रोसेस, वेरी फर्स्ट प्रोसेस। ये अच्छा मतलब अच्छा समझ लें, ये पहले कर्नल इसको इनिशियलाइज करता है और ये फिर आगे बाकी सर्विसेज को स्टार्ट करता है, या जो भी प्रोफाइल आपने सेट की होती है उस हिसाब से। तो सिस्टम डी इज द फर्स्ट वन, बेसिकली जी ही सिस्टम डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विसेज मैनेजमेंट ऑफ योर लिनक्स मशीन, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो बेसिकली सर्विस सिस्टम डी के जो यूनिट्स हैं, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम एक सर्विस, जिस अभी हमने एसएसएचडी होगी, एचटीटीपीडी होगी, डीबी सर्वर जिस तरह हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई डीबी सर्वर है और ओरेकल है आपका, उसकी भी एक सर्विस होती है, ठीक है। तो डिफरेंट ये सर्विसेज होती हैं, उसके लिए सर्विस का मॉड्यूल होता है। तो अगर आपने नोटिस किया हो यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे ये पीछे स्क्रीन पे एचटीटीपीडी सर्विस का यूज किया था, डॉट सर्विस। तो यहाँ पे वो डॉट के बाद आपको बताता है कि यूनिट कौन सी है, ये सर्विस है, डॉट ठीक ठीक है। कुड नॉट बी फाउंड मीन्स के अभी इंस्टॉल नहीं है मशीन के ऊपर, लेकिन एसएसडी जो है सर्विस है वो इंस्टॉल थी। एक तो ये है कि विंडोज में जो हम सर्विसेज कहते हैं, लिनक्स में हम उसको डीमन बोलते हैं। तो ये डी जो आखिर में आपको नजर आ रहा है, डी स्टैंड फॉर डीमन। तो एसएसएच डीमन मीन्स इसका मतलब ये है। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओपन एसएसएच सर्वर डीमन, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो एक ये चीज जी पसंद। और दूसरी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं बेसिकली सॉकेट। सॉकेट क्या होती है, सॉकेट बेसिकली हम किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्विस नेम, जो कि मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। और एक होता है सॉकेट की बेस पे। सॉकेट क्या होती है, विंडोज में हम उसको पोर्ट कहते हैं, जिस तरह पोर्ट 80 है, पोर्ट 443 है, आपको अक्सर वर्सर के ऊपर आप लिखते हैं, जैसा कॉकपिट की मिसाल है, जो लिनक्स की हम सेंट्रल मैनेजमेंट करते हैं, कॉकपिट को यूज करते हैं। तो कॉकपिट को एक्सेस करना हो तो पोर्ट 9090 पे एक्सेस करते हैं। तो लिनक्स में उस पोर्ट को हम सॉकेट कहते हैं, लॉजिकल पोर्ट्स को सॉकेट कहते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी कोई कहता है, मतलब अगर थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट में चले जाए। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डी जो है, कुछ ऐसी आपकी प्रोसेस होते हैं जो कि तब स्टार्ट होते हैं जब कोई उस सॉकेट के ऊपर रिक्वेस्ट आती है, समझे मेरी बात। जी। मतलब मिसाल के तौर पे जो आपका, मैं इसकी मिसाल लेता हूँ, कॉकपिट है ना। कॉकपिट क्या चीज है, ये सेंट्रल मैनेजमेंट है आपकी लिनक्स की मशीन की। याद है मैंने आपको कराया था, मैं है जन में नहीं। कॉकपिट, मैंने आपको ये दिखाया था जो वेब मैनेजमेंट है इसकी, लिनक्स की। मैं दिखा देता हूँ दोबारा, हम इसको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम में रखा था, थोड़ी सी आपको एसी लिनक्स में भी दिखाया था इसका, तो अच्छा दोबारा देख लेते हैं। असल थोड़ा सा थ्योरी का भी पता होना चाहिए, जब तक थ्योरी का आइडिया नहीं होगा तब तक जो है ना वो प्रोसेस चीजें समझ नहीं आती। अच्छा, इसमें लोकल होस्ट मतलब कि सेम मशीन जो है 1990 पोर्ट को अगर आप एक्सेस करें, और तो ये आपको अच्छा ओके, अभी ये कनेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर ये कनेक्ट नहीं करा रहा, मेरा ख्याल है लेट्स सी एचटीओ, हाँ ठीक है, एचटीटीपीएस लोकल होस्ट 1490।
अच्छा, ये एक्सेस नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि सर्विस जो है अभी, इसकी सॉकेट जो है वो बंद है। ठीक है, तो हम इसकी सॉकेट को इनेबल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं देखना चाहूँ कि कॉकपिट के एक सॉकेट है तो ये इनेबल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम सीटीएल सॉकेट सिस्टम सीटीएल स्टेटस कॉकपिट, जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये देखें कॉकपिट डॉट सॉकेट को मैं चेक करता हूँ इसका क्या स्टेटस है, तो इस वक्त ये इनएक्टिव है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का ये रूट का पासवर्ड आपको चाहिए होगा, उनके सर्विस स्टार्ट करनी है। अच्छा अच्छा, अच्छा सर्विस अच्छा स्टार्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा जाता हूँ और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो लेट्स सी, ओके, ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। तो ये देखें, ये चीज मैंने खोली थी, अगर आपको याद हो, ये वेब मैनेजमेंट है आपके लिनक्स की मशीन की। तो इसके अंदर जो जो हम सीएलआई के थ्रू जितने काम कर रहे हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप देखें ये सब कुछ, ये देखें, ये सारा कुछ आ रहा है इसके अंदर, लॉग्स आ रहे हैं, नेटवर्किंग, अकाउंट्स, सर्विसेज, एवरीथिंग इज देयर। तो हमने लास्ट टाइम चेक किया था एससी लिनक्स को, ये एससी लिनक्स को देखा था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि इधर ये भी आपको बता रहा होता है कि अगर कोई इश्यूज हैं आपके, कुछ वायलेशंस हैं तो ये आपको बता देता है। ये चीजें बेसिकली हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो ये वेब मैनेजमेंट है, इसको ये बेसिकली इसको हम कर देते हैं और हम अपने स्पेक्टर में दो वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो ये दूसरी टाइप है जिसको सॉकेट कहते हैं, कि जब आपने सॉकेट ओपन करनी हो या स्टार्ट करनी हो तो पोर्ट जो लॉजिकल पोर्ट होती है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप ये सिस्टम सीटीएल कमांड को यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आखिर में डॉट सॉकेट ये चीज आ रही है। ठीक जी। है, पर तीसरी टाइप होती है वो पाथ होती है, जो फाइल का पाथ, मतलब आपने किसी सर्विस को या किसी प्रोसेस को एक्टिवेट करना हो बेस्ड ऑन कि जी जैसे ही एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर फाइल का मॉडिफिकेशन हो, कोई चेंज हो प्रोसेस, कोई इसमें चेंज आए तो इमिडिएटली क्या करे, उस सर्विस को एनेबल कर दो। ठीक है, मतलब किसी भी उस एक पाथ हम दे देते हैं इसको, और उस पाथ के ऊपर कोई भी चेंज आती है तो इमिडिएटली ये उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपकी जो प्रिंटिंग सर्विस होती है। लिनक्स में प्रिंटिंग सर्विस को हम कप्स के नाम से कहते हैं। तो अगर आपको दिखाऊं सिस्टम सीटीएल, अच्छा अब ये कमांड हम सिस्टम सीटीएल, मैं सूडो यूज कर लेता हूँ ताकि सूडो सिस्टम सीटीएल, और मैं यहाँ पे आपको वैसे दिखा लेता हूँ लिस्ट यूनिट्स। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू, हम इसमें दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल पाथ। ठीक है, तो ये आपको, तो ये जनाब आपको, ओके, अच्छा, तो अगर आप देखें, ये देखें कप्स डॉट पाथ के नाम से आपको ये नजर आ रही यूनिट, ये देख रहे हैं। ये कौन सी वो है फाइल? ये फाइल है, प्रिंटिंग सिस्टम होता है ना आपका, जो प्रिंटर होता है उसकी क्यू क्यू है बेसिकली, जो कि आपके सिस्टम पे मौजूद होती है। तो जब भी मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट भेजता हूँ तो वो बेसिकली इस जो एक फाइल है जो क्यू फाइल होती है उसके अंदर वो प्रिंट की कमांड बेसिकली वो जाता है, और जैसे ही वो प्रिंट की कमांड जाती है उस पाथ के ऊपर तो इमिडिएटली जो है ना वो उस कप्स की सर्विस को या प्रोसेस को इनेबल कर देता है, बेस्ड ऑन के अच्छा जी ये पर्टिकुलर फाइल में कोई मॉडिफिकेशन हुई है तो उस बेस पे ये काम होता है। तो अच्छा ये लेकिन डिफरेंट, जो आपने ये कमांड चलाई है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या जो कौन ये से मैंने पास कमांड, देखा? हाँ जो मैंने कमांड चलाई है सिस्टम सीटीएल, मैंने जैसे आपको बताया कि जो ये सर्विस या सॉकेट या
पाथ, ये इनके यूनिट्स होते हैं सिस्टम डी के। तो मैंने कहा है कि लिस्ट यूनिट्स, और मैंने कहा टाइप, मैंने मेंशन कर दी पाथ। मैं अगर कहूँ कि लिस्ट यूनिट्स और टाइप मेंशन ना करूँ, और मैं ऐसे कह दूँ कि जी डायरी एंटर करें आप। ऑल ऑल कर दूँ, तो ये देखेंगे तमाम सर्विसेज आ गए आपकी। ये अगर आप देख रहे हो तो ये बता भी रहा है उनकी कि लोडेड हैं, एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ये बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं, अगर आप देखें तो ये पूरी एक लाइन है, मतलब पूरी एक लिस्ट है सर्विसेज की। इसमें सॉकेट्स भी हैं, इसमें सर्विस भी हैं, अगर आप देखें तो ये आखिर में ये डॉट सर्विस आ रहा है, ये यूनिट्स हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, अब ये सॉकेट्स स्टार्ट हो गई हैं, ये लॉजिकल पोर्ट्स हैं, तो डिफरेंट ये बेसिकली आपके पास ये आ रही हैं। तो ये जनाब आपकी सिस्टम डी कमांड, और मतलब सिस्टम सीटीएल कमांड। तो अगर आपने देखना हो कि कितनी सर्विसेज चल रही हैं, तो आप यही कमांड जो मैंने अभी एग्जीक्यूट की है यूनिट साथ, तो ये सारी सर्विसेज आपको दिखा देगा। लेकिन जाहिर बात है ये बहुत ज्यादा है, तो आप इसको जो है ना वो इतना वो नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर आप कभी ट्रबल शूट करने जाएं, तो अगर आपने फिल्टर आउट करना हो, जिस आप यहाँ पर लिखे ग्रैब करके आप कप्स देख सकते हैं, तो ये आपको बता देगा कप्स की ये तीन चीजें हैं, ठीक है। पाथ कप्स डॉट सर्विस पे डिफाइन है, कप्स डॉट सॉकेट पे डिफाइन है। तो तीन बेसिकली प्रोफाइल्स डिफाइन, तीनों यूनिट्स डिफाइन है इसके, और तीनों एक्टिव वाला नहीं, ठीक है। ठीक है। ये प्रिंट सर्वर के लिए, ये प्रिंटिंग क्यू के लिए, अगर कोई प्रिंट भेजता है तो उसके लिए एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और ये उसकी जो पोर्ट होती है प्रिंटिंग सर्विस की, गलबन 9911 होती है, 11199 होती है, इस तरह की पोर्ट होती है। तो ये उसके लिए, तो जब पोर्ट के ऊपर कोई कम्युनिकेशन होगी, स्टार्ट होगी, तो ये ऑटोमेटिकली उसको स्टार्ट कर देगा, आपका सिस्टम डी का प्रोसेस उसको स्टार्ट कर देगा, ताकि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके। तो ये बेसिकली इसके लिए होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं वापस, और सिस्टम सीटीएल कमांड मैंने जैसा बताया कि ये यूज करते हैं जो आपकी सर्विसेज को स्टार्ट एंड स्टॉप, लिनक्स की सर्विसेज को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए। जिस तरह अभी मैंने SSHD का आपको हवाला दिया कि आप स्टेटस कमांड से इसको SSHD करेंगे, तो ये आपको किसी भी मशीन का अपना सर्विस का स्टेटस डाल देता है, और नीचे लॉग फाइल्स का थोड़ा सा आ रहा होता है। तो यहाँ से आप हल्का सा देख सकते हैं कि आपका अगर सिस्टम, अगर आपका प्रोसेस रन नहीं हो रहा, तो उसकी पॉसिबल रीजन यहाँ पे लॉग एंट्री आ जाएगी, और अगर एक्टिव है, रनिंग है, तो वो बता देगा आपको कि सिस्टम इज रनिंग, और ये उसकी प्रोसेस आईडी है 1242, ये नजर आ रही होगी आपको। तो अगर आपने कोई सर्विस स्टार्ट एंड स्टॉप करनी है, ठीक है, आगे चल के हम जब सर्विसेज के सेक्शन में जाएंगे, तो उसमें जारी बात है जब हम नई सर्विस इंस्टॉल करेंगे, तो फिर उसको स्टार्ट एंड स्टॉप करना होगा। तो उसके लिए सिस्टम सीटीएल मिसाल के तौर पे आप कहते हैं स्टार्ट, या आप कहते हैं कि जी स्टॉप SSHD, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, तो ये मुझसे पासवर्ड लेगा, मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये अगर मैं दोबारा स्टेटस चेक करूँ SSD का, तो ये देखें इनएक्टिव हो गई, डेड हो गई, बिकॉज मैंने इसको स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप कर दिया, तो अब मैं ये रिमोट सेशन भी नहीं बना सकता। अगर मैं इसका रिमोट सेशन बनाना चाहूँ, इसका आईपी देख लूँ, तो उसने माइनस है, तो या आईपी रेशियो, तो हमारे पास इसका आईपी एड्रेस जो है वो 181 आ रहा है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस आ रहा है, और मैं यहाँ पे 192.168.10.181 दे देता हूँ। तो अभी देखें, इसने कहा जी कनेक्शन रिफ्यूज, क्यों? बिकॉज SSHD की सर्विस बंद कर दी, जो रिमोटली कनेक्ट कराती है आपको यूजर को इस मशीन से। तो अगर मैं दोबारा उसको स्टार्ट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट प्रेस करूँगा, तो सूडो कमांड से हमें देना होता है, ताकि उसके सूडो कमांड से यूज करेंगे तो ये पासवर्ड भी नहीं मांगेगा। तो अब अगर मैं दोबारा इसको यहाँ से कहूँ कि रीस्टार्ट सेशन, तो अब देखें ये प्रॉम्प्ट आ गया, तो अब यहाँ से मैं लॉग इन हो सकता हूँ रिमोटली इस मशीन के साथ। तो ये मैं लॉग इन, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप सर्विसेज। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रिमोट सर्विस SSHD को बंद रखना चाहते हैं, बाज कंपनी की पॉलिसी होती है कि SSHD की सर्विस तभी ऑन की जाए जब कोई इश्यू हो अदरवाइज, लेकिन नॉर्मली जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही होती है कि सर्वर्स को हमेशा या VMs को हमेशा
एसएसएस के थ्रू ही मैनेज कर रहे होते हैं लोग रिमोटली, तो इसलिए एसएसएस सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह डिफरेंट सर्विसेज आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे यह हम इंस्टॉल मैं वेब सर्वर इंस्टॉल कर लेता हूँ, HTTPD इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा कहता हूँ यह हम इंस्टॉल HTTPD, तो अब ये मैंने इंस्टॉल की है। ओके सुडो हम कर लेते हैं और एक और काम कर लेते हैं, -y उसके लगा देते हैं ताकि हमसे अच्छा काकेट साहब, काफी काफी डिले, काफी डिले आ रहा है स्क्रीन। नहीं मेरे पास तो नहीं आ रहा। आपके पास अभी आपके पास ठीक है? अच्छा रुके मैं इसको फिर अपने पास। अच्छा मैं नोटिस कर रहा हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। हाँ ये आप कमांड एग्जीक्यूट हो गई है और सही आ रहा है। अभी आपके पास क्या स्क्रीन आ रही है? मेरे पास तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो के आप प्रॉम्प्ट पे ठहरा है। अच्छा और आदा आपके पास? अब मैं नहीं, मेरे पास मैं या तो अपना इंटरनेट दोबारा रिबूट कर लूं। रुके दोबारा चेक करना, क्योंकि मैं जो गो टू मीटिंग का स्क्रीन देख रहा हूं एक बार लिखा हुआ आ रहा है बस, अभी सिर्फ इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट्स अपडेटेड प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा। नहीं प्रोडक्ट अपडेटेड और नीचे जो है प्रॉम्प्ट पे ठहरा है। एक मिनट ठहरे अभी अभी मैंने स्क्रीन क्लियर की है। क्लियर हां सही है, अभी ठीक है। चलो ठीक है, मेरा ख्याल है वो कुछ डिले आगे होगा, हो सकता है मेरे एंड पे, हो सकता है आपके एंड पे, तो इट्स ओके। मैं काम नहीं, बाज़ का तो एक और इशू भी होता है, मैं एक काम करता हूँ। जैसे मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि ओके बहुत नीचे चला जाता है तो वो भी बाज़ बात नजर नहीं आता। अच्छा अच्छा अभी हमने ना HTTPD या सर्वर इंस्टॉल किया, तो अगर मैं इसकी सर्विस को स्टेटस देखना चाहूँ तो मैं इसको दे सकता हूँ sudo system सिर्फ yum install से किया था, yum install HTTPD। जी, yum install HTTPD वो मैं जो लास्ट उसमें किया था हमने, ठीक है। तो मैं sudo system ctl और मैं देख लेता हूँ status httpd। तो ये इधर ही बात अभी इनएक्टिव है, अभी हमने सिर्फ इंस्टॉल की है, मतलब सिर्फ पैकेज इंस्टॉल किया उसका। तो इसको अगर स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट करने के लिए मैं इसको ये स्टार्ट करूंगा और httpd। तो अब अगर मैं स्टेटस देखूँ तो अब ये देखें एक्टिव और रनिंग है, तो ये अपाची सर्वर स्टार्ट हो गया। इसको अपाची सर्वर भी कहते हैं, वेब सर्वर भी कहते हैं, तो ये स्टार्ट हो गया। तो अब इसको स्टॉप करना हो, कोई भी सर्विस स्टॉप या स्टार्ट या स्टेटस देखना तो वो सिस्टम CTL से ही देखेंगे। एग्जैक्टली अब ये सिस्टम CTL ही यूज होती है, पिछली लिनक्स में सर्विस कमांड थी लेकिन वो ऑब्सोलीट हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई, तो अब ये यूज होती है। कि इन्होंने पूरी हायरार्की बना दिया कि सिस्टम डी का जो प्रोसेस है वो देखता है अब सारे मामला, तो उसको अगर आपने इनवोक करना है तो उसके लिए सिस्टम CTL कमांड आप यूज करें। और सिस्टम डी का जो फोल्डर है उसमें सारी सर्विसेज एग्जिस्ट करती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आपने कहा था इसके 8 यूनिट है, एक है सर्विस है, एक है सॉकेट है और एक है पाथ। नहीं अभी मैंने आपको सिर्फ 3 इसके बताए हैं, इसके और 3 यूनिट्स बताए हैं, टाइप्स बताए हैं, सर्विस सॉकेट पाथ, अभी आगे भी बताऊंगा एक और एक टारगेट है वो आगे आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। मतलब कॉमनली जो यूज होते हैं और हैं लेकिन वो बहुत रेयर यूज होते हैं, जो ये बता रहा हूँ ये आपके डे टू डे ऑपरेशंस में ये 3 और एक और है टारगेट, वो इंशाल्लाह आपको आखिर में बताता हूँ, वो भी हमने डिस्कस करना, ठीक है। कि वो पाथ वाला तो वही था ना, वो जो आपने सारी सर्विसेज वगैरह दिखाई थी वो लिस्ट यूनिट से। हाँ मैंने सिर्फ वो दिखाया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि पाथ से मुराद ये असल में टाइप्स डिफरेंट क्यों है यूनिट्स की, के बेस्ड ऑन ये बेस्ड ऑन द चेंज किस में, मिसाल के तौर पर पाथ से जब हम मुराद लेते हैं
तो उससे मुराद ये होती है जिस तरह प्रिंटिंग सर्विस है, तो प्रिंटर को प्रिंटर कब एक्टिव होता है, जब उसको कोई प्रिंट जॉब आती है। प्रिंट जॉब कहाँ से आती है, किसी सिस्टम से आएगी। अब मैं इसी सिस्टम पर बैठा हूँ और मैंने यहाँ से सपोज मैंने कोई ओपन ऑफिस खोला हुआ है, ठीक है, या लाइब्रेरी ऑफिस या कोई भी प्रोडक्ट खोली हुई है और पीडीएफ खोला हुआ है, मैंने वहां से प्रिंट भेजा। तो जैसे ही मैं प्रिंट भेजूंगा तो प्रिंट कहाँ जाएगा, मेरी जो इस मशीन के ऊपर एक क्यू फाइल होती है, आप प्रिंटिंग क्यू कह लें, वो पड़ी होती है, तो वहां पर जाएगा। वो जो फाइल जिस पाथ पे पड़ी होती है उस पर मैंने ये चेक लगाया होता है, मिसाल के तौर पर सिस्टम डी ने, कि जैसे ही प्रिंट जॉब उस पाथ के ऊपर पहुंचे तो इमिडिएटली वो उस सर्विस को या उस पोर्ट को इनेबल कर दिया जाए और प्रिंटिंग जो है प्रिंटिंग को कमांड चली जाए। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है कि हर वक्त एक्टिव नहीं होती, जैसे ही कोई जॉब प्रिंटिंग जॉब जाएगी तो तभी वो उसको एक्टिव करेगा प्रोफाइल को और उसके बाद ताकि सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको हैंडल किया जा सके। अब जारी बात है प्रिंटिंग क्यू जो है वो हर वक्त तो इनेबल ठीक नहीं है ना, मतलब जब प्रिंट की जॉब किसी सॉफ्टवेयर से आएगी तभी वो उसको एक्टिव करेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्योंकि जारी बात है आप किसी प्रोसेस को जब एक्टिव करते हैं तो वो फिर मेमोरी के अंदर जगह लेता है, उसको स्पेस चाहिए होती है, तो अननेसेसरी प्रोसेस को आप बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं करते, जब उसकी जरूरत होती है तो तब उसको आप इनेबल करते। मतलब मकसद ये था ये यूनिट्स बनाने का, ठीक है। ठीक, तो अच्छा अभी हम देख रहे थे इसको, अब इसको अगर हमने स्टार्ट स्टॉप करना हो या रीस्टार्ट करना हो, आपने लेट्स सपोज आप कहते हैं जी इसको रीस्टार्ट करना है तो आप यहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो ये इसको एक बार स्टॉप करेगा फिर स्टार्ट करेगा, तो ये मतलब आप यूज कर सकते हैं। बस अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है httpd.conf के अंदर, लेट्स सपोज अगर हम vim/etc और httpd, तो इसके अंदर हमारे पास conf में चले जाते हैं और इसमें हमारे पास ये httpd.conf आपके पास एक फाइल पड़ी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, हर सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। जब अब जैसे हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह तो हम हर सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को छेड़ेंगे, उसके अंदर हम अपनी कोई मॉडिफिकेशंस करेंगे या अपनी बना लेंगे। तो ये इसकी फाइल लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, तो अगर इसको हमने डिफरेंट पोर्ट पे लिसन कराना है तो हम यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं, लिसन पोर्ट हम कहते हैं जी 0050 पे लिसन कर रहा है। तो ये जब जितनी पोर्ट्स आपने पे सपोर्ट देनी होती है वेब सर्वर को वो पोर्ट्स यहाँ मेंशन करते हैं, तो ये करके आप 12 आ देते हैं। सॉरी ये क्योंकि मैंने सूडो से नहीं ओपन की इसलिए मुझे ये रीड ओनली का मैसेज दे रहा, तो मैं यहाँ पे ये आया फाइल में और मैंने इसमें ये मैंने मॉडिफिकेशन की लिसन और इसको मैंने लिखा ये सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये वो जो सर्विस है ना httpd की उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो अब मैं ये सिनेरियो ये क्रिएट कर रहा हूँ कि मैंने किसी भी सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जब मैं कुछ चेंज करता हूँ ना, तो होता ये है कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जब आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो इन चेंजेस को जो सर्विस प्रोफाइल होती है ना जो कि सिस्टम डी के पास पड़ी हुई है वो एक अलग फाइल है, तो इसको इस अपडेट को या इस मॉडिफिकेशन को वहां पे रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको सर्विस को एक दफा रीस्टार्ट करना पड़ता है, ताकि जो सर्विस की जो फाइल है एक्चुअल फाइल है वहां से वो उसको उसकी जो चेंजेस आपने किए हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो उसको पिक कर। तो जब भी आप ये करते हैं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं फिर सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। अब मैंने अगर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैंने वैसे ही आर्बिट्रेरी चेंज की है वैसे ही, मतलब ये तो भी आगे हमने पढ़ना है httpd को IP भी दें तो वो उस वक्त तक उसका इंपैक्ट नहीं होता जब तक कि सर्विस रीस्टार्ट ना हो। एग्जैक्टली किसी कोई भी सर्विस हो उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसका इफेक्ट तब तक नहीं है, क्योंकि होता ही है कि जब आप ये इसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करके उसको कन्वर्ट करता है सर्विस की फाइल में, उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो जो सर्विस की फाइल होती है ना उसकी जरा कोडिंग डिफरेंट होती है, वो अलग चीज होती है। अगर उसको आपको भी ओपन भी करेंगे ना तो आपको आर्बिट्रेरी से करेक्टर दिखाएगी बिकॉज वो उसकी अपनी एक कोडिंग होती है। तो ये बेसिकली हमारा काम मकसद ये होता है कि जब भी सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज करें तो रीस्टार्ट आप कर लें, तो ये इसको सर्विस को रीस्टार्ट। अच्छा अब उसने कहा जी कि ये देखें कि जी एरर आ गया, एरर क्यों आया, हो सकता है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो है ना वो कुछ मिस्टेक कर दियो, तो हम लेट्स सपोज स्टेटस में जाके देखते हैं कि एरर क्यों आया। अच्छा वो कह रहे जी फेल टू स्टार्ट द अपाचे एचटीटीपी सर्वर, और उसने कहा जी कि कुड नॉट बाइंड टू एड्रेस 5050 परमिशन डिनाइड।
अच्छा, इसकी रीजन वजह यह है कि हमने अभी तक कोई इसमें एक होता है बेसिकली, आप जब भी कोई एक्स्ट्रा पोर्ट डिफाइन करते हैं लिसनिंग पोर्ट, ये वैसे बता रहा हूँ आगे पढ़ना है इंशाल्लाह, तो उसके लिए आपको इसकी एक एक लिखना पड़ता है, एक बेसिकली वर्चुअल एक रूट बनाना पड़ता है एक आपको, एक मतलब हमें एक इसी कोड के लिए एक अलग से वेबसाइट खड़ी करनी पड़ती है तभी ये लिसन हम करते हैं, अदरवाइज अगर हमने नहीं किया तो उसकी जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस वजह से वो इसको ये तो सोर्स पोर्ट है ना बेसिकली, सोर्स पोर्ट है लेकिन उसके लिए होता है, मैं आपको जिसमें दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे होंगे एक मिनट, ये डॉक्यूमेंट रूट देख रहे हैं बेसिकली, ये देख रहे हैं, जी जी ये एक डिफॉल्ट वर्चुअल डायरेक्टरी बनी हुई है फॉर जैसे आप वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं www.html.index.org में, तो उसमें इस तरह का एक आपको सेपरेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट रूट, और उसको आपको बताना पड़ेगा कि लिसन किस पे करेगा, वो इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा कि किस तरह से आपने बेसिकली करना है। मैं जब एक से ज्यादा वेबसाइट आप पोस्ट करते हैं एक मशीन के ऊपर, तो फिर आपको उसके डिफाइन करने पड़ते हैं, ये डायरेक्टरी डिफाइन करनी पड़ती है, लिसन पोर्ट और आईपी एड्रेस ये सब मेंशन करना पड़ता है, तो वो हम अलग से फाइल में मेंशन करते हैं, वो इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल जारी बात है अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इस तरह से ये एरर दे रहा था, हम इसको मैं सिर्फ आपको ये सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि कोई भी चेंज जब आप करते हैं तो उसमें फिर ये है कि आपको रिस्टार्ट करनी है सर्विस को। अच्छा, कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि जिनको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, मिसाल के तौर पे, क्योंकि जारी बात है अगर रिस्टार्ट करेंगे तो, अगर HTTPD की मिसाल ले लें तो अगर इसको रिस्टार्ट करेंगे सर्विस को, तो हो सकता है कि 50 वेबसाइट अगर चल रही है यहाँ से डिफरेंट पोर्ट, तो वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, तो फिर इसके लिए होता है कि आप कुछ सर्विसेज, सारी नहीं, कुछ सर्विसेज के लिए एक ऑप्शन होती है आपके पास रीलोड की, कि आप अगर उसको ये लिखते हैं रीलोड, तो ये सिर्फ जो चेंजेस हैं उनको रीलोड कर देगा, कोई सर्विसेज को स्टॉप स्टार्ट नहीं करेगा, तो ये मतलब ये वार्निंग भी आप दे सकते हो, समझे मेरी बात, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई आपने मॉडिफिकेशन की है तो सिर्फ वो उसको चेंज कर देगा, उसके लिए सर्विसेज को स्टार्ट एंड स्टॉप करने की जरूरत नहीं, रीलोड का हमसे कह रहे हैं कि यार कॉन्फ़िगरेशन फाइल को दोबारा पढ़ो और जो भी चेंजेस हैं उनको अकोमोडेट करके सर्विस को चलता रहने दो और मॉडिफिकेशंस चलती सर्विसेज मॉडिफिकेशंस, तो दैट इज कॉल्ड रीलोड, तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप एंटरप्राइज लेवल पे या किसी डेवऑप्स की एनवायरनमेंट में काम करेंगे कॉर्पोरेट लेवल पे किसी अच्छी कंपनी के साथ, तो वहाँ पर फिर आपको ये चीज़ बड़ी ख्याल करनी पड़ती हैं, और क्योंकि मैं काफ़ी अमेरिकन कंपनीज के साथ टच रहा हूँ, हम लोग उनके जो मर्जर के प्रोजेक्ट्स है, डिफरेंट कंपनीज का मर्जर होता है, तो फिर वो उनके वेब सर्वर्स को हमारे अपने वेब सर्वर्स के साथ वो फिर उसको माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेशन एक्टिविटीज़ में काफ़ी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, तो उसमें इन चीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम होता था कि किसी ने गलती से भी अगर वेब सर्वर की सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया तो इतने इश्यूज़ आते थे, होता क्या था कि आप यू नो के जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा होता है तो जो फ्रीलांस लोग बैठे होते हैं तो वो हर बंदा अपनी जुगाड़ लगाई हुई होती है उसने, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उसने जुगाड़ लगा के सर्विस तो स्टार्ट कर दी होती है, लेकिन जब वो सर्विस रीस्टार्ट होती है तो पता चलता है कि जनाब उसने हार्ड कोड किया हुआ था कोई चीज़, तो जब सर्विस रीस्टार्ट हुई तो उसने जो है ना वो डिफॉल्ट वैल्यूज आ गई और वो सब कुछ सत्यानाश हो गया, तो मेक श्योर ऐसी सिचुएशन में हमेशा रीलोड इज अ गुड ऑप्शन, रीलोड करें तो वो सिर्फ जो चेंजेस किए हैं उनको अकोमोडेट करेगा, ये एक सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि बाज़कत ये इश्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आपको कंफर्म ना हो कि जनाब ये रीलोड सपोर्ट करती है सर्विस के नहीं करती, तो फिर आप इसके अंदर एक यूज करते हैं सर्विस रीलोड और रीस्टार्ट, ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि पहले चेक करें कि सर्विस जो है वो रीलोड को सपोर्ट करती है कि नहीं करती, अगर करती है ठीक, नहीं करती तो फिर रीस्टार्ट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन कि यू इफ यू डोंट नो अबाउट सर्विस प्रोफाइल के जिसमें ये ऑप्शन सपोर्ट है रीलोड की या नहीं है, तो आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, तो अगर मैंने ये देखें यूज की तो उसके बाद अगर मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ तो ये आपको दिखा रहा है कि जी ये देखें नीचे देख रहे हैं रीलोडेड द अपाची एक्टिविटी सर्वर, तो दिस मीन्स कि इसमें सपोर्ट है रीलोड की, अदरवाइज अगर सपोर्ट ना होती तो फिर ये रीस्टार्ट का दिखा रहा होता आपको, या स्टार्टेड सर्वर स्टार्टेड या सर्वर, ठीक है, ठीक, अभी तो इंशाल्लाह ऐसी लिनक्स आपको कराई है तो अभी आगे इंशाल्लाह आपको ऐसी लिनक्स मैंने साथ रखनी है आपके
एससी लिनक्स को हम इंशाल्लाह जब सर्विसेज कॉन्फ़िगर करेंगे तो उनमें बड़े मसले तो नहीं आते। एक चेकलिस्ट है कि जनाब जब भी आपकी सर्विस ऑन करें, सर्विस इंस्टॉल करें, जब ऑन करें तो मेहरबानी करके हम एससी लिनक्स को भी चेक कर लें कि जी उसको कोई मतलब मसला तो नहीं। तो एससी लिनक्स के एक दो फ्लैग वैल्यूज होती हैं, वो आपने चेक करनी होती हैं, वो हमें देखना होता है भाई वो मसला वसला तो नहीं है, वो ओके है तो लेट्स ओके। तो अक्सर लोग जो है ना वो फिर वो थोड़ा सा उस चीज़ों को ख्याल नहीं करते। अब मिसाल के तौर पे जब ये पोर्ट मैंने इजाफी ऐड की है, ये लिसन पोर्ट सोर्स पोर्ट जो है 80 है बाय डिफॉल्ट, तो जिसमें मैंने 50-50 ऐड किए, तो 50-50 हो सकता है एससी लिनक्स के पास इसका रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि एससी लिनक्स जो वेब सर्वर की डिफॉल्ट पोर्ट्स होती हैं सिर्फ उनको अलाउ करता है। तो अगर आपने कस्टम पोर्ट दिए तो पहले आपको एससी लिनक्स में जाके उसको उसके डेटाबेस में ऐड कराना पड़ता है कि जनाब ये पोर्ट ऐड करते हैं अपने पास किसी भी सर्विस के लिए। एग्जैक्टली किसी भी सर्विस की जो डिफॉल्ट पोर्ट होती है वो ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन एससी लिनक्स के पास है, लेकिन अगर किसी सर्विस की आप कस्टम पोर्ट पे उसको लिसन करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं मैंने वेब सर्वर को पोर्ट 80 पे लिसन नहीं करना, मैंने इसको पोर्ट 50-50 पे लिसन करना है, तो हो सकता है कि एससी लिनक्स के पास 50-50 की इन्फॉर्मेशन ना हो, बिकॉज 50-50 इज नॉट ए स्टैंडर्ड वेब सर्वर पोर्ट। तो उसके लिए फिर आपको उसको बताना पड़ेगा हमें वहाँ पे कौन सी कमांड हम यूज करेंगे, वो एससी मैनेज कमांड एफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसमें फिर HTTP underscore port ये टाइप होती है HTTP underscore port underscore T, मतलब इसके थ्रू हमें उसको बताना पड़ेगा जनाब कि आपकी जो है ना ये पोर्ट 550 को भी इंक्लूड कर लें। तो ये चीज़ें मैंने आपको साथ साथ रखनी है, मतलब सिक्योरिटी हमारी मस्ट चीज़ है, फायरवॉल भी इनेबल्ड होगी इंशाल्लाह, हम फायरवॉल से भी रूट पास करेंगे, मतलब ये मैं फायरवॉल इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा आगे, फायरवॉल CMD कमांड होती है, इसके थ्रू हम प्रॉपर रूल ऐड करेंगे। अगर अब मेरी बात है ये वेब सर्वर खड़ा हो गया तो इसका अगर हमें रूल ऐड करना हो तो इसमें फिर हम एक रूल ऐड करते हैं, मतलब ये इस तरह कमांड देते हैं, तो इस तरह कमांड देके हम ऐड सर्विस ये मतलब इंशाल्लाह हो गया मैं आपको कराऊंगा, तो ऐड सर्विस इस तरह हम बताते हैं HTTP को इनेबल कर दो, ये कमांड हम देते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊँगा, किसी भी सर्विस को जब आपने इंस्टॉल करना है तो आपने उसके चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें डालनी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी सिस्टम आपका बिल्कुल फारिग है आजकल, तो यानी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अच्छा ओके, अगर आपने वैसे चेक करनी हो कि आपकी सर्विस, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी सर्विस को स्टॉप करना है और आप देखना चाह रहे हैं कि यार इस सर्विस पे डिपेंडेंट कौन कौन सी सर्विसेज हैं, बाज़ूकात ये भी होता है एक सर्विस पे मल्टीपल सर्विसेज डिपेंडेंट होती हैं, जिस तरह अगर आप विंडोज़ में देखें तो उसमें आपको वो बड़ा आराम से दिखा देता है कि जी जब आप सर्विसेज की प्रॉपर्टीज में जाते हैं कि जी ये सर्विसेज इस सर्विस पे डिपेंडेंट हैं और ये सर्विस इन सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, मतलब दोनों चीज़ें दिखा रहा होता है। तो अगर आपने ये चीज़ चेक करनी हो लिनक्स के अंदर तो आप उसके लिए अगेन सुडो सिस्टम CTL, क्योंकि ये जब आप किसी सर्विस को बंद करने लगते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि यार मैं सिस्टम को बंद कर रहा हूँ तो मैं पहले देख लूँ कोई डिपेंडेंसीज तो नहीं है कोई। तो फॉर एग्जांपल अगर हम SSHD सर्विस को अगर हम देखें कि भाई इसकी डिपेंडेंसीज क्या है, तो ये देखें ये बता रहा है कि जी आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप देखें तो ये कह रहा है कि SSHD सर्विस पे कौन कौन सी सर्विसेज डिपेंडेंट है, ये उनकी बेसिकली सारी डिटेल्स आ रही है। तो जब आप इस सर्विस को बंद करेंगे तो ये सर्विसेज भी अफेक्ट होंगी, तो देख रहे हैं ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये चीजें मतलब इसके थ्रू आप कर सकते हैं, आप HTTPD को अगर देखना चाहें तो ये उसकी बेसिकली डिपेंडेंसीज हैं। तो ये सर्विसेज अगर ऑन नहीं होंगी, ये जो ये वाली सर्विसेज हैं, तो HTTP सर्विस आपकी प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी ये सर्विसेज ऑन होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा तो अच्छा बाज़ूकात आपको ना कोई सर्विस को ना एक होता है कॉन्सेप्ट मास्किंग का सर्विस। मास्किंग क्या होती है कि आप चाहते हैं कि एक आपने कहा कि यार ये जो मेरे पास ना बेसिकली दो किस्म एक ही
सर्विस के लिए दो, मतलब एक ही टाइप ऑफ सर्विस के लिए दो डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, दो डिफरेंट सर्विस प्रोफाइल्स हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह ईमेल सर्वर होता है आपका, तो लिनक्स जो है उसके अंदर सेंड मेल के नाम से भी एक ईमेल सर्वर का सोल्यूशन मौजूद है जो कि पुरानी वर्जन के अंदर सपोर्ट है उसकी, और नए में उसने जो है वो आपको इसका डॉव कोर्ट का और पोस्टफिक्स ईमेल सर्वर का इंट्रोडक्शन, मतलब वो इंट्रोड्यूस करा दिया अपने वर्जन में। तो अब पोस्टफिक्स यूज होता है और डॉव कोर्ट यूज होता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पोस्टफिक्स को जब आप यूज करने जाएंगे तो अगर सेंड मेल की सर्विस भी ऑलरेडी या पैकेज इंस्टॉल्ड है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो हो सकता है कि आपका एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आए और वो सेंड मेल की सर्विस को इनेबल कर दे, स्टार्ट कर दे। तो क्या होगा उससे, आप अगर सेंड मेल की सर्विस को वो स्टार्ट कर देगा तो उससे क्या होगा कि दो सर्विसेज ऑन हो जाएंगी एक ही पर्पस के लिए, दोनों ईमेल सर्वर हैं, तो सिस्टम आपका परेशान हो जाएगा। सारी बात है, दोनों को एक ही पोर्ट के ऊपर लिसन कर रही होंगी और वो एरर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बाज़ बात आप ये करते हैं, आप कुछ ऐसी सर्विसेज जिनका ये इस किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप उनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको मास्क कर देते हैं। जिन सर्विसेज को हम मास्क कर देते हैं तो उस वो सर्विसेज कोई भी दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट स्टॉप कमांड से उसको एनेबल नहीं कर सकता। ये बेसिकली मिसाल के तौर पर अगर आपने करनी हो तो आप लिखते हैं सिस्टम सीटीएल मास्क अगर सेंड मेल की सर्विस मौजूद है नहीं, तो अगर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ सिस्टम सीटीएल मास्क सेंड मेल डॉट सर्विस, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो अच्छा ये जो मास्किंग का दोबारा रिपीट करते हैं, ये नहीं समझ में आया। हाँ मैं बताता हूँ, किसी भी मैं एक सिनेरियो दिया मैंने कि लेट सपोज आपने आपके इस मशीन के ऊपर एक ईमेल की सर्विस इनेबल करनी है, ईमेल सर्वर नहीं होता एसएमटीपी सर्वर होता है जो कि ईमेल, तो सेंड मेल जो है वो रेड हैट का अपना एक एक पैकेज है जो कि ईमेल सर्वर के तौर पर यूज करते थे पुराने वर्जन के अंदर। तो सेंड मेल की जगह पे पोस्टफिक्स अब इंट्रोड्यूस करा दिया इसने रेड हैट ने, तो पोस्टफिक्स भी है और सेंड मेल भी है सिस्टम के अंदर। अगर आप इसकी जो पैकेज की लिस्ट है उसके अंदर जाके देखें तो सेंड मेल भी मिलेगा आपको, और मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं sudo info send mail तो ये मुझे बताएगा कि जनाब ये सेंड मेल का पैकेज अवेलेबल है, ये इंस्टॉल्ड है। तो सेंड मेल भी है, ये देखें सेंड मेल, और अगर मैं इसको कहूँ कि यार मुझे जनाब पोस्टफिक्स का भी बताओ, पोस्टफिक्स ये भी ईमेल सर्वर है, ये डिफरेंट टाइप है, तो ये देखें ये भी मौजूद है, दोनों मौजूद हैं। अब होता क्या है कि आपका लेट्स सपोज ये दोनों से पैकेज इंस्टॉल्ड हैं आपकी मशीन पे, लेकिन यूज हम कर रहे हैं पोस्टफिक्स को एज ए ईमेल सर्विस के तौर पे, इस पैकेज को यूज कर रहे हैं, और उस पैकेज को हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं यार सेंड मेल की सर्विस नहीं चलानी बिकॉज ऑलरेडी पोस्टफिक्स की सर्विस चल रही है ईमेल के लिए, तो सेंड मेल की सर्विस को बंद कर दो। हम कहते हैं सिस्टम सीटीएल स्टॉप सेंड मेल, ठीक है, मैं ये कमांड देता हूँ, ये कमांड देके मैं बाहर निकल आया, ठीक है, पॉज कर देता हूँ, तो ये कमांड देके मैं बाहर निकल आया, तो उसने स्टॉप कर दी स्टेट, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि गलती से कोई और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भाई साहब आए और उन्होंने देखा कि सेंड मेल की सर्विस स्टॉप है, यार ये तो ईमेल का सोल्यूशन है, लेट इट स्टार्ट इट। वो देखा कि भाई वो चेक ही नहीं किया कि पोस्टफिक्स चल रही है, उन्होंने इसको स्टार्ट का सिग्नल भेज दिया। तो अब स्टार्ट का सिग्नल भेज दिया तो क्या होगा कि दो सर्विसेज स्टार्ट हो गई, सेंड मेल भी चल रही है ईमेल के लिए और पोस्टफिक्स भी चल रही है, तो फिर क्या होगा सिस्टम आपका सारी बात है मेल फंक्शन करना शुरू कर देगा, सारी बात है एक सोर्स नहीं है ना, दो सोर्स इकट्ठी हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए ये एक सिनेरियो दे रहा हूँ, तो इस चीज से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से एक सर्विस को हम स्टॉप करके या उसको मास्क कर देते हैं। तो मास्क जब किसी सर्विस को मास्क करते हैं ना आप, तो वो सर्विस को फिर कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट नहीं कर सकता। अब अगर अभी आप देखें कि मैंने ऊपर क्या किया था, मैंने इस सर्विस को मास्क कर दिया था, ये देखें सिस्टम सीटीएल मास्क सेंड मेल डॉट सर्विस, तो उसने क्या किया, उसने नल डिवाइस पे इसको भेज दिया, ये प्रोफाइल सेट कर दी। अब हुआ ये कि मैंने इसको या तो स्टॉप करो या मास्क करो, स्टॉप करूंगा तो कोई भी दोबारा स्टार्ट कर सकता है उसको, हाँ। और वो स्टार्ट होगी तो मसला हो जाएगा, लेकिन अगर मास्क कर दूंगा
तो क्या होगा, अभी मैंने देखें स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसने मुझे क्या मैसेज दिया, फेल टू स्टार्ट सेंड मेल बिकॉज सेंड मेल सर्विस इज मास्क्ड, जी ये मास्क है ये स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इमिडिएटली फिर मेरा जो सिस्टम एडमिन होगा ही रियलाइज के जनाब ये सर्विस जो है ना ये नहीं स्टार्ट करनी क्योंकि इसको मास्क किया गया। तो समझ गए बात, जी 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 किसी भी सर्विस को अगर आपने नहीं चाहते कि उसको कोई और बंदा आगे स्टार्ट कर दे गलती से तो आप उसको मास्क करते हैं, तो वो सर्विस को कोई रीस्टार्ट नहीं कर सकता या स्टार्ट नहीं कर सकता। तो जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट करने की कोशिश की सेंड मेल को तो उसने कहा ये मास्क, तो बाद में अगर कहीं आपने उसको वो जो सर्विस है वो सस्पेंडेड ही रहेगी, स्टॉप्ड रहेगी ना, सस्पेंडेड है डिसेबल्ड कह लें आप एक पार्ट ऑफ यूसी के डिसेबल्ड हो गई है बेसिकली, वो अब वो उसको कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करने की कोशिश करेगा जैसे देखिए मैंने स्टार्ट किया तो वो मुझे मैसेज करेगा। अच्छा तो मास्क के लिए आपने कमांड कौन सी यूज की? अच्छा मास्क के लिए कमांड मैंने ये सिस्टम सीटीएल और आगे मैंने लिखा मास्क और आगे सर्विस का नाम। अच्छा बस सिंपल। अच्छा एडमिन तो इसको अनमास्क कर सकता है, इसका मास्क खत्म कर सकता है या वो भी नहीं जी, रूट नहीं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैं ये यहीं पे मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, अगर आपने अनमास्क करना तो कर सकते हैं, लेकिन जो एक अनमास्क यहाँ पर लिखें और इसको आप अनमास्क कर सकते हैं, अनमास्क करें अनमास्क हो जाएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको पता चल जाएगा ना कि एक सर्विस मास्क हुई है, तो वो समझ जाएगा कि यार ये किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको परमानेंटली डिसेबल किया है, रीजन होगी तो फिर वो सारी बातें कॉन्टेक्ट करेगा उसके बाद ही वो मिलेगा। तो अगर वो आपने मास्क नहीं की हुई और उसने गलती से स्टार्ट कर दी और एरर आना शुरू हो गया तो सारी बात है फिर वो कस्टम क्लाइंट जो आपका है वो सफर होगा आपका। तो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आप उसको मास्क कर दें, तो अगर कोई स्टार्ट करने की या कोई हो सकता है कोई स्क्रिप्ट चल रहा हो बैक एंड के ऊपर, आपने एक स्क्रिप्ट चलाया, वो होते हैं ना अक्सर लोगों ने स्क्रिप्ट चलाए होते हैं जो थोड़ी देर बाद चेक करते हैं मॉनिटरिंग के स्क्रिप्ट होते हैं, चेक करते हैं कि यार सर्विस चल रही है नहीं चल रही, ओहो नहीं चल रही स्टार्ट कर दो। तो अब हो सकता है कि एक बंदे ने वो ईमेल का सोल्यूशन ही चेंज कर दिया, सर्वर सेंड मेल की जगह पे पोस्ट फिक्स रिप्लाई कर दिया और स्क्रिप्ट में चेंज करना भूल गया, तो क्या होगा कि जब वो स्क्रिप्ट चलेगा एक खास टाइम के बाद तो वो उठ के देखेगा वो सेंड मेल की सर्विस बंद पड़ी हुई, वो उठ के उसको स्टार्ट की कमांड दे देगा, ये भी तो सकता है ना जो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट होते हैं। तो इसलिए मास्क कर देते हैं ताकि वो स्क्रिप्ट की अगर कोशिश करे तो वो स्टार्ट ना कर सके। ठीक है, क्योंकि अनमास्क की कमांड सारी बातें मैनुअल है, ये स्क्रिप्ट के थ्रू आपने नहीं की होगी फॉर श्योर, तो इसलिए बचत हो जाएगी आपकी। अच्छा एक चीज ये होगी, दूसरा ये होगा कि अब जिस तरह मैंने अभी HTTPD की सर्विस को मैंने स्टार्ट किया इंस्टॉल किया, मैंने पैकेज को और सर्विस स्टार्ट कर दी और उस वक्त मेरे हाथ में HTTPD की सर्विस जो है वो चल रही है अगर आप देखें तो। लेकिन जैसे ही मैं सिस्टम को रीबूट करूंगा तो ये सर्विस इनएक्टिव हो जाएगी, क्यों? बिकॉज मैंने इसको अभी तक इसकी प्रोफाइल में लिखा नहीं कि ये सर्विस बूट के ऊपर इसको इनेबल करना है कि नहीं करना, स्टार्ट करना है कि नहीं करना। तो बाय डिफॉल्ट जो भी सर्विस या आप इंस्टॉल करते हैं उसका जो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल होता है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, मतलब जब भी सिस्टम बूट होगा तो वो इनएक्टिव स्टेट में होगा। तो फिर आप ये कमांड देंगे सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD तब स्टार्ट होगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं यार ये तो पक्की मैंने परमानेंटली मैंने सर्विस एक डाल दी है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम रीबूट हो तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो, तो उसके लिए फिर सिस्टम CTL कमांड से आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं इनेबल और आगे सर्विस का नाम HTTPD। ठीक है, ये कमांड लिखते हैं बूट लगाना बोल रहे, तो ये जनाब जैसे ही मैंने दिया तो ये देखें उसने ये एक सिम लिंक क्रिएट कर दिया। अगर आप देखें तो यूजर लिप सिस्टम डी सिस्टम के अंदर एक ये जो फाइन भी कह रहा था सिस्टम डी के फोल्डर उसके अंदर जाके उसने ये सर्विस डाल दी सिस्टम की उसके अंदर, तो ये प्रोफाइल एक सॉफ्ट लिंक बना दिया। ठीक है, सिम लिंक मीन्स सॉफ्ट लिंक, एक सॉफ्ट लिंक बना दिया किस फाइल का, ये एक अगर आप देख रहे हो मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी सर्विसेज यहाँ पर डिफाइंड है और ये जनाब उसने एक सॉफ्ट लिंक बना दिया इस डायरेक्टरी के अंदर। तो सिस्टम की डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सर्विसेज मेंशन होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, एट द बूट टाइम वो उसका इनेबल कर देगा स्टार्ट कर देगा। तो दैट्स इट, इसने सिर्फ इतना ही काम किया। तो अगर आपने डिसेबल करना हो तो आप डिसेबल कर सकते हैं, अगर कहते हैं नहीं यार ये बूट टाइम के ऊपर ना स्टार्ट हो तो आप डिसेबल का ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे डिसेबल करेंगे तो वो जो सॉफ्ट लिंक है उसको ये रिमूव कर देगा।
सर्विस चाहेंगे उसको रन करने के लिए। हाँ, जो जब मतलब आप ये चाह रहे हैं कि सिस्टम जब बूट हो तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक ठीक उसके लिए फिर ये इनेबल वाला काम करते हैं, ठीक है। तो क्लियर, बूट के फोल्डर में जाके हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल ये सिस्टम सीटीएल कमांड देनी है और हमने करना है इनेबल एचटीटीपीडी, बस हम ओके ये करना है। तो ये ऑटोमेटिक रन करना है कि वो चल जाएगी। हाँ, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ एलएस, मैं दिखाता हूँ, मैं आपको बेसिकली मकसद समझा देता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको उनकी जो है ये डायरेक्टरीज बता देता हूँ। बेसिकली ये जनाब अगर आप यहाँ पे जाए एलएस करें, तो ये देखें ये सारी सर्विसेज डिफाइंड, जितनी भी आपके लिनक्स की सर्विसेज है ना, ये सारी सर्विसेज की प्रोफाइल सेट है, ये देख रहे हैं ये सारी की सारी, ठीक है। तो करता ये है कि जब आप कहते हैं ना कि इनेबल कर दो, तो उसने एक अलग से डायरेक्टरी बनाई हुई है सर्विसेज की, जो कि बूट टाइम के ऊपर स्टार्ट करनी होती है। तो जब हम कहते हैं ना कि यार इसको इनेबल कर दो, ये सिस्टम सीटीएल इनेबल एचटीटीपीडी, तो वो क्या करता है कि यहाँ से एक फाइल का सॉफ्ट लिंक बना देता है उस डायरेक्टरी के अंदर। तो जब सिस्टम हाँ शॉर्टकट सॉफ्ट लिंक, जो सिस्टम जब बूट होता है ना, तो बिल्कुल जो हमने पढ़ा था सॉफ्ट लिंक, तो सिस्टम जब बूट होता है तो फिर वो देखते हैं अच्छा इसका जो है ना वो मैंने इस सर्विस को भी स्टार्ट करना, वो उस डायरेक्टरी में जाके देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज के सॉफ्ट लिंक्स बने हुए, तो फिर सॉफ्ट लिंक से वो एक्सेस करता है सर्विस की प्रोफाइल को और वहां से निकलता है। अगर आप देखें ना, मैंने अभी इनेबल भी किया था, तो उसने जो है ना वो यहाँ पे अभी हमने इनेबल तो किया हुआ था, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाऊं तो उसने आपको यही बताया कि जनाब ये जो है वो ये देखें क्रिएटेड सिम लिंक, मतलब सॉफ्ट लिंक, ये उसने एक सिम लिंक क्रिएट कर दिया कि एक ये सिम लिंक क्रिएट किया उसने, ये वाला अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सिम लिंक क्रिएट किया है और किसका क्रिएट किया, ओरिजिनल सर्विस की जो फाइल है वो ये पड़ी हुई है, इसका एक शॉर्टकट लिंक कहाँ बनाया उसने, इस फोल्डर इस डायरेक्टरी के अंदर बनाया, मल्टी यूजर टारगेट वांट्स दिस। तो ये भी टारगेट्स पे इंशाल्लाह आते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी बेसिकली। तो ये बेसिकली नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप कोई सर्विस इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह एचटीटीपीडी की सर्विस है, तो मैंने इंस्टॉल की है, तो मैं एक ही कमांड में इनेबल भी कर लेता हूँ और स्टार्ट भी कर लेता हूँ। किस तरह, अगर मैं आपको दिखाऊं सिस्टम sudo system ctl, हम एक काम करते हैं एचटीटीपीडी को स्टॉप कर देते हैं, तो ये हमने स्टॉप कर ली। अभी अगर हम उसका स्टेटस देखना चाहें, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ, मैं सर आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस वक्त इसकी इनएक्टिव है, अगर स्टेट देखें तो ये इस इनएक्टिव डेड स्टेट है। तो अगर मैं इसको लेट्स सपोज ये हमने इंस्टॉल किया, तो जब किसी भी सर्विस को इंस्टॉल करते हैं तो वो इनिशियली इनएक्टिव होती है, तो अगर आपने उसको एक ही कमांड में इनेबल भी करना है तो आप उसको इस तरह कर सकते हैं, इनेबल माइनस माइनस नाउ, ये जो नाउ का स्विच है इसका मतलब है कि इनेबल भी कर दो और स्टार्ट भी कर दो। तो जैसे मैंने ये कमांड दी, उसके बाद अगर मैं स्टेटस कमांड पे दोबारा जाऊं, तो ये देखें उसने इनेबल भी कर दिया। अगर हम नाउ नहीं करेंगे तो इसका मतलब है जब सिस्टम रीबूट होके वापस आएगा तो फिर ये एक्टिव होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही बात है, उस वक्त नहीं होगी कि जब सिस्टम रीबूट होगा तब एक्टिव होगी। बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर हो गया जी? ठीक, अच्छा क्यों जी, क्लियर है? आज क्वेश्चन आवाज आ रही है? आज ने म्यूट किया हुआ मेरे ख्याल में, नमाज पढ़ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा चलो ठीक, तो अच्छा इसी तरह जो आपकी सिस्टम को अगर आपने रीबूट करना हो या पावर ऑफ करना हो, तो वो भी आप सिस्टम सीटीएल कमांड से कर सकते हैं, सिस्टम सीटीएल और आगे आप लिखते हैं पावर ऑफ, ये ले सकते हैं, या आप आगे sudo system ctl और आप उसको आगे रीबूट भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो सिस्टम सीटीएल से भी रिबूट कर सकते हैं, और वैसे भी अगर आप करना चाहें तो आप खाली पावर ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सूडो पावर ऑफ या सूडो रिबूट कमांड या सिस्टम सीटीएल, बिल्कुल सिस्टम सीटीएल हॉल्ट कमांड भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको आप सूडो सिस्टम सीटीएल हॉल्ट करेंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। तो ये डिफरेंट कमांड्स आप इसको इसके थ्रू भी दे सकते हैं। तो एक्चुअली में सारी बात है, सिस्टम को स्टार्ट स्टॉप करना, सर्विसेज कौन करना, ये सारा प्रोसेस जो है वो सिस्टम डी के पास है, तो इसलिए आप ये सारा सिस्टम डी बैकएंड पे सिस्टम डी ये काम कर रहा होता है। ये तो पावर, अच्छा हॉल्ट में, हॉल्ट और पावर ऑफ में कोई फर्क नहीं है, तकरीबन सेम है ये पीछे कोड, असल में ये सिम लिंक्स बने होते हैं, शॉर्ट लिंक्स बने होते हैं, सॉफ्ट लिंक्स, तो पीछे ऑपरेशन एक ही होता है। तो ये जो इनेबल या डिसेबल करना है ये, हाँ ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। अच्छा सिस्टम के लिनक्स की मशीन के ना, लिनक्स के ओएस के डिफरेंट रन लेवल्स होते हैं, उसका है आईडिया आप लोगों को रन लेवल्स का? इस तरह इसको मैं इनेबल प्रिविलेज मोड यूजर मोड वो है ना, बस वही है, बस वही है, बिल्कुल सही है, उसी तरह का है ये भी। असल में जो लिनक्स के पुराने वर्जन थे उसमें रन लेवल्स का कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन अब जो है ना उन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, वो भी मैं बताता हूँ। तो वैसे जो डिफॉल्ट सिस्टम के जो रन लेवल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो टोटल 0 से लेकर 6 तक 7 रन लेवल्स हैं, तो मैं आपको देख बताता हूँ। 0 स्टेट, इस रन लेवल की स्टेट कहते हैं इसको, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा 0 का मतलब होता है हॉल्ट, ठीक है, ये हॉल्ट स्टेट होती है, और जो 6 होता है ये होती है रिबूट, सॉरी अच्छा रिबूट, ठीक है, और जो वन होता है, जी, हमने रन फोल्डर पढ़ा था, ये उसी में वो होती है या वो अलग है चीज से? क्या चीज? जब हमने फोल्डर्स पढ़े थे, रूट थे, ईटीसी, रन, जो रन टाइम पे मेरे ख्याल वो और चीज है, जो जो रन की डायरेक्टरी है उसमें रन टाइम की प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है, वो ये रन लेवल्स होते हैं। मैं अभी और सिस्टम सीटीएल कर, अगर सिस्टम सीटीएल करके टैब दें तो वो जितनी कमांड्स उसके अंडर होंगी वो आ जाएंगी ना? बिल्कुल आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब अगर आपने हाँ नहीं, अगर आपने हेल्प लेनी है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, सिस्टम सीटीएल माइनस टी हेल्प। अच्छा तो ये आपको, ये वो यूनिट्स हैं जो मैं बता रहा था, ठीक ठीक, सर्विस सॉकेट टारगेट, टारगेट अभी डिस्कस करने लगा हूं, टारगेट अभी डिस्कस करने लगा हूं, डिवाइस माउंट, ऑटो माउंट, स्वैप, टाइमर, पाथ हमने डिस्कस किया, स्लाइस, स्कोप, ये मतलब डिफरेंट उसके ऊपर यूज होती है। तो हमारी जो कॉमन है वो सर्विस है, सॉकेट है, पाथ है, और टारगेट को भी मैं डिस्कस करने लगा। ऑटो माउंट भी यूज होती है, अगर आपने ऑटो माउंट यूज करना है तो वो खैर एनएफएस के अंदर होता है, तो अच्छा। वैसे आपने हेल्प लेनी है तो सिस्टम सीटीएल कोई भी कमांड हो अगर उसकी हेल्प लेनी है तो उसके लिए आप ये साइन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये सिस्टम सीटीएल है, सॉरी सीटीएल, तो ये आपको इस तरह की कमांड, किसी भी कमांड जाकर डैश डैश हेल्प करें तो उसकी आपके स्विच आ जाएंगे, कौन कौन से स्विच आप यूज कर सकते हैं। तो ओके, तो खैर हम बात कर रहे थे रन लेवल्स की, तो ये रन लेवल्स होते हैं, ये रन लेवल किस बेस पे होते हैं? हर रन लेवल के ऊपर ना डिफरेंट सर्विसेज रन होती है, ठीक है। अब वन जो होता है रन लेवल वन, उसमें होता है एमरजेंसी मोड या रेस्क्यू मोड, जैसे आप करते हैं, और जो टू होता है ये इसमें आपकी सर्विसेज चल रही होती हैं, एक्सेप्ट नेटवर्क सर्विसेज, और इसको आप कहते हैं कि ऑल एक्सेप्ट नेटवर्क सर्विसेज। जो रन लेवल थ्री होता है इसमें ऑल सर्विसेज चल रही होती हैं, लेकिन ये सीएलआई मोड होता है, कमांड लाइन, ठीक है। और जो फाइव होता है ये GUI मोड होता है, जो इस वक्त जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये रन लेवल 5 पे हम या ग्राफिकल इंटरफेस पे बैठे हुए हैं, और जो 4 है वो स्पेयर है, वो फिलहाल यूज नहीं होता। तो ये रन लेवल्स कितने हैं? 7। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना init 6, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि init कमांड यूज होती है अगर आपने रन लेवल स्विच करने हो। तो अगर मैं इसको
इनिट की हेल्प लूँ अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखें, ये देख रहे हैं 0 फॉर पावर ऑफ 6 फॉर यूनिट एंड 2 3 4 5 स्टार्ट रन लेवल एक्स टारगेट यूनिट, ठीक है 1 SS रेस्क्यू मोड, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप बेसिकली इनिट कमांड से जो है वो मेरे पास अभी आर्ग्यूमेंट हमने नहीं दिया, तो इनिट कमांड से रन लेवल को स्विच कर सकते हैं। जो रेड हैट एंटरप्राइज 7 एंड ऑनवर्ड है उसमें उन्होंने इसको नाम दे दिया सिस्टम डी के को टारगेट्स। जिस तरह अभी मैंने आपको एक सिस्टम डी का माइनस टी हेल्प दिखाया था उसमें एक टारगेट मैंने आपको दिखाया था, ये देख रहे हैं टारगेट, ये यूनिट्स है ना, ये टारगेट भी एक यूनिट। हाँ ठीक है, हाँ तो ये रन लेवल को उसने अब टारगेट बना दिया बेसिकली, ठीक है। किस तरह अगर हम इसको थोड़ा सा ब्राउज करें, अब मैं ऐसे कहूँ कि जी सिस्टम सूडो सिस्टम सीटीएल, ठीक है, और मैं ऐसे कहता हूँ कि लिस्ट यूनिट्स, ठीक है लिस्ट यूनिट्स, और आगे हम क्या कर देते हैं टाइप इज इक्वल टू हम इसे कहते हैं टारगेट, ठीक है मैं इसे कहता हूँ टारगेट और हम इसको देखते हैं। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे डिफरेंट टारगेट्स आ रहे हैं लेकिन अब उसमें आपको रन लेवल 1 2 3 4 5 6 नजर नहीं आ रहा होगा, विद नेम आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे। अच्छा वो जो हमने इनिट इनिट 6 की जैसे अगर कमांड चलाई थी तो वो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा अगर, हाँ ये देखें इनिशियलाइज कर दो उस पर्टिकुलर रन लेवल, ये मेरे देखिए मैं जैसे इसको इनिट 6 करूंगा ना यानी कि सिस्टम ही रिबूट हो जाएगा। हाँ ये हो गया ना रिबूट, ये देखें ये सिस्टम रिबूट हो गया। तो मैं तो शॉर्टकट्स इसी तरह तलाश करता हूँ कि बजाय पूरा पावर ऑफ लिखूं या सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ लिखूं या जस्ट मेक कमांड एंड रीस्टार्टेड, ये रिबूट हो गया, ये बायोस आ गई और ये ग्रब की स्क्रीन आ गई, ये ग्रब की स्क्रीन होती है जो कि आपको बेसिकली बता रही है, ये देखें रिबूट हो गया प्रॉपर, ठीक है। तो इनिट 0 करेंगे तो शट डाउन हो जाएगी मशीन आपकी, ये कमांड ये लेकिन पुरानी है बैकवर्ड लेगेसी कमांड्स है, तो नई में बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, टारगेट का नाम दे दिया कि सिस्टम डी के टारगेट्स हैं ये इंस्टेड ऑफ रन लेवल। तो आप फिर इनके टारगेट्स को अगर आप सेट करना चाहें तो आप इनके टारगेट्स को सेट भी कर सकते हैं, और देखना चाहें कि डिफॉल्ट टारगेट क्या सेट हुआ तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि अगर हम देखना चाहें कि जी इस वक्त डिफॉल्ट टारगेट क्या है तो हम देख लेते हैं। तो ये जनाब हमारे पास बूट होके आ गया, हम इसको अच्छा मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट में लगाता हूँ। अच्छा अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरा सिस्टम किस रन लेवल पे चल रहा है और क्या किस टारगेट पे चल रहा है, तो उसके लिए आप कमांड देंगे एक इसको हम तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ओके एडजस्ट करता है स्क्रीन को दोबारा कंसोल का व्यू लेने से बड़ा व्यू आ जाएगा, ओके तो अच्छा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo system ctl get default, तो ये देखें कौन सा आ रहा है रन लेवल ग्राफिकल टारगेट, मतलब रन लेवल 5 है, ठीक है ग्राफिकल टारगेट क्योंकि हम ग्राफिकल के ऊपर हैं। तो अगर मैं इसको कोई चेंज करना चाहूँ तो जो मैंने आपको CLI का बता रहा था रन लेवल 3 जो है, ठीक है तो वो रन लेवल 3 जो है वो आपका होता है अल्लाह भला करे मल्टी यूजर टारगेट, मल्टी यूजर कहते हैं तो टारगेट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर आप मतलब इसको हम सिस्टम CTL कमांड के थ्रू हम वही वो जो लिस्ट यूनिट कमांड मैंने दी थी इसे इसको हम कर दें माइनस माइनस ऑल, तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो एक मल्टी यूजर के नाम से आपको नजर आएगी, ये देखें मल्टी यूजर टारगेट, ये रन लेवल 3 है,
ठीक है, तो डिफरेंट ना इसने सर्विसेज की बेस पे डिफरेंट ये प्रोफाइल्स बनाई हुई है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई है वो बेसिक्स हैं, और फिर उसने फर्दर फोर्टिफाई भी की हुई है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई सेट करना हो, डिफॉल्ट चेंज करना हो, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट, आप कहते हैं नहीं यार ये ग्राफिकल इज टू हैवी, तो मैं इसको मल्टी यूजर या रन लेवल 3 पे ले जाना चाहता हूँ, मल्टी यूजर डॉट। अच्छा, भी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये चेंज अब ये कमांड देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप सिस्टम को रिबूट करेंगे तो ये रन लेवल 3 में चला जाएगा। और अगर आप इसको करना चाह रहे हैं सिस्टम सीट के, अगर हम इसको यूज करें आइसोलेट मल्टी सूडो, मैं साथ में यूज कर लेता हूँ सूडो आइसोलेट मल्टी, ये मल्टी यूजर, मल्टी यूजर डॉट टारगेट। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ एग्जीक्यूट कमांड को, तो ये देखें आइसोलेट कमांड से स्विच से ये देखें ये कौन से रन लेवल पे आ गया, रन लेवल 3 पे। अगर मैं इसको यहाँ से लॉग इन करूँ रूट उसका नाम दे दें, तो मैंने कहा था मल्टी यूजर डॉट टारगेट, तो मल्टी यूजर मतलब होता है रन लेवल 3 होता है। तो अगर आप ये रन लेवल कमांड भी होती है अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो ये आपको बता रहा है कि आप 5 से 3 पे आए हैं। देख रहे हैं 5 और 3 दोनों बता रहा है, क्योंकि मैं 5 से आया हूँ ना, तो इसलिए मुझे 5 भी दिखा रहा है 3 भी दिखा रहा है। तो अगर मैं दोबारा जाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से सिस्टम यहीं से कमांड दे सकता हूँ सिस्टम CTL, ठीक है, आइसोलेट, और आगे मैं इसको क्या दे दूंगा ग्राफिकल, ठीक है, टारगेट ये मैं दे दूंगा कमांड, तो अब ये मुझे वापस ग्राफिकल मिले जाएगा। तो आप इस तरह स्विच कर सकते हैं डिफरेंट रन लेवल्स के ऊपर। तो ये नॉर्मली कुछ लोगों ने वो जो मिनिमल इंस्टॉल होता है ना सिस्टम, जब वो इसको मिनिमल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वो ग्राफिकल इंस्टॉल ही नहीं करता, वो बेसिकली फिर ये आपको CLI रन लेवल 3 पे ले जाता है। तो ये जनाब है इसका, और इसमें अगर आप हम इसको अच्छा, और आपने वो मॉडिफाई करने के लिए क्या कमांड चलाई थी, जैसे सिस्टम CTL और वो सेट हमारा सेट डिफॉल्ट आप दे सकते हैं, लेकिन इनिट कमांड से। अच्छा, ये वो तो, लेकिन वो डायरेक्ट वो इनिट कमांड से इस तरह वो जब करते हैं ना सिस्टम CTL पावर ऑफ या सिस्टम CTL रीबूट, तो एक्चुअली में वो बेसिकली वो उस टारगेट को एक्सेस करता है, वो जो रन लेवल 6 है या रन लेवल 0 उसको एक्सेस करता है। तो अगर आपने मतलब करना है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इनिट 5 करता तो वो ये रीबूट होके मतलब, या इनिट 3 करता मैं तो वो, हां मैं यहां पे इनिट देखें नहीं इनिट 3 करूंगा ना तो ये मुझे मल्टी यूजर मोड में ले जाएगा, वो अभी मल्टी यूजर टारगेट जो अभी मैं गया था इसमें, हां जो ये वहां दोबारा ले जाएगा मुझे, इस कमांड से भी ले जाएगा और इस कमांड से भी और उससे भी ले जाएगा ये सिस्टम CTL आइसोलेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये आप टॉगल कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट इन रन टाइम्स उसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये जनाब है, और मेरे ख्याल में काफी है सिस्टम CTL पे, काफी आपको नॉलेज आ गया होगा, तो आप इसको डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक चीज छोटी सी मुझे वो क्लियर नहीं थी, वो जो फाइन भाई ने जो आपसे वो पूछा था ना, वो रिबूट वाला जिसमें आप इनेबल डिसेबल कर रहे थे और वो सिम लिंक का बता रहे थे, वो चीज हाँ हाँ वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैं जैसा ये कमांड लिखता हूँ ना sudo, मैंने कोई सर्विस इंस्टॉल की, मतलब मैंने कहा कि yum install let's suppose मैं कहता हूँ vsftpd, ठीक है, मैंने ये सर्विस इंस्टॉल की, मैं ये इंस्टॉल का भी लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, वो जो पॉइंट था ना वो इस तरह समझ आएगा। मैं ऐसे कहता हूँ सॉरी ये रूट की एलिवेशन चाहिए, इसको भी मैसेज दे देगा, ठीक है, इसको करता हूं। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, तो अच्छा ये मैंने इंस्टॉल किया, ये एक सेकंड में इंस्टॉल कर देगा, तो
क्योंकि लोकल रिपोजिटरी है तो नेट पे इसको जाना नहीं पड़ेगा, इंटरनेट पे ये खुद ही कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये एक VSFTPD सर्विस होती है जो FTP की सर्विस प्रोवाइड करती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, अब अगर मैं सिस्टम CTL sudo system CTL और आगे मैं लिखूं स्टेटस VSFTPD, तो क्या आ रहा है? इनएक्टिव, डेड है। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर कमांड दूं सिस्टम वही sudo system CTL, यहां मैं लिखूं कि जी इनेबल VSFTPD। ठीक है, तो ये जो इनेबल कमांड है ये क्या करेगी, आपके जहन में क्या है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा? नहीं, लेकिन जैसे कोई भी सर्विस होती है उसको तो पहले हम वो करते हैं ना, इंस्टॉल। इंस्टॉल कर दी ना मैंने, ये ऊपर इंस्टॉल कर दी, ये VSFTPD के पैकेज इंस्टॉल कर दिया हमने, वो सर्विस इनएक्टिव आ रहा है, तो हम इनेबल करेंगे। वैसे एक्चुअली में तो हम स्टार्ट करते हैं ना सिस्टम CTL स्टार्ट। हाँ बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं अगर इनेबल खाली इनेबल यूज करूं तो इसका क्या मतलब है, क्या होगा? इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो इससे क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं बेसिकली। इससे ये होगा कि ये जब आप इनेबल करते हैं ना किसी भी सर्विस को सिस्टम CTL के थ्रू, तो आप उसको कह रहे होते हैं भाई इसको ना नेक्स्ट अक्रॉस द रीबूट, जब भी सिस्टम रीबूट हो तो इसको ऑटो इनेबल सर्विसेज में डाल दो कि ये सिस्टम स्टार्ट होनी चाहिए सर्विस। अच्छा, जब सिस्टम बूट हो तो ये हर दफा जब भी सिस्टम बूट होगा तो ये सर्विस स्टार्ट होने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, मतलब रीबूट के ऊपर, ये इसका मतलब है। तो उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आप इसके साथ माइनस माइनस नाउ का स्विच ऐड कर दें तो ये इनेबल भी कर देगा सर्विस को कि जी रीबूट के ऊपर ये स्टार्ट हो जाए और अभी के टाइम पे ये सर्विस को स्टार्ट कर देगा। अगर मैं ये ना दूं तो ये सिर्फ अपने उसमें ये इंफॉर्मेशन डाल देगा कि भाई नेक्स्ट टाइम जब मैं रीबूट हूंगा तो मैं VSFTPD सर्विस को मैंने स्टार्ट करना है, लेकिन अभी के लिए हमने अगर स्टार्ट करना है तो फिर हमें सिस्टम CTL स्टार्ट VSFTPD की कमांड देनी पड़ेगी या यहाँ पे डैश डैश नाउ की कमांड ऐड करनी पड़ेगी। तो फहीम का सवाल ये था कि अगर मैं ये नाउ खत्म कर देता हूँ तो ये क्या बिहेवियर होगा, तो वही कह रहा था कि इसका बिहेवियर, इसका मतलब यही है कि ये सिर्फ इनेबल कर देगा कि ये इसका मतलब है कि नेक्स्ट रीबूट पे स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। जारी बात, अगर मैं इसको करता हूँ ना तो अगर मैं दोबारा स्टेटस करता हूँ तो ये स्टिल डेड है बिकॉज मैंने अभी तक इसको स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनिट 6 या रीबूट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको रीबूट की कमांड भी दे सकते हैं आप, फिर वो एक्टिव, मैंने इसको रीबूट की कमांड, ये रीबूट एक्चुअली में इनिट 6 ही एग्जीक्यूट हुआ है तो ट्रैफिक के ऊपर वही है। सिस्टम CTL से रीबूट से भी दे सकते हैं, वैसे भी रीबूट ये बेसिकली सिमलिंक्स बने होते हैं तो इसलिए पता नहीं, बैकएंड के ऊपर एक फाइल ही होती है जहाँ से वो स्क्रिप्ट लिखा होता है रीबूट का। तो अभी ये देखें जब रीबूट होगा ना तो अब ये स्टार्ट हो जाएगी सर्विस, क्योंकि मैंने इसे कहा है कि यार नेक्स्ट टाइम जो सिस्टम अब रीबूट हो, जब भी रीबूट हो तो इसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दो। तो ये कौन सा स्टार्ट से ये होगा कि वो इसी टाइम स्टार्ट उस वक्त की ओर ही होगा, यानी कि अगर हम रीबूट करेंगे तो हाँ, अगर हम खाली स्टार्ट करते हैं और इनेबल नहीं करते तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए स्टार्ट होगी, और जब रीबूट करेंगे और इनेबल नहीं किया हमने तो वो फिर नेक्स्ट टाइम स्टॉप स्टेट में आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट रीबूट के ऊपर वो स्टार्ट स्टेट में ही मिले तो फिर आप इनेबल का ऑप्शन यूज करते हैं। नहीं समझ आई? जी जी, क्लियर है, क्लियर है, अब क्लियर हो गया। ओके, अच्छा, अभी नेक्स्ट हमने बेसिकली करना है रूट का पासवर्ड रीसेट। अगर रूट का पासवर्ड भूल गए आप और उसको आपने अगर ब्रेक करना हो तो वो किस तरह ब्रेक करेंगे? ठीक है, अभी मैंने सिस्टम को रीबूट कर दिया तो मैं इसको यहीं से ही हम कर देते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम का पासवर्ड, अगर रूट का पासवर्ड ब्रेक करना हो तो उसको अनब्रेक किस तरह करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा मेरे ख्याल, तो लंबाई टाइम ले लिए। अच्छा, ये देखें सिस्टम बूट हो गया और बूट होने के बाद ये मेरे पास ग्रब स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने की प्रेस कर दी तो वो टाइमर खत्म हो गया, अदरवाइज टाइमर चलता होता है और अगर आप कुछ भी ना करें तो ऑटोमेटिकली बूट हो जाता है। अच्छा, अब अगर आपने रूट का पासवर्ड ब्रेक करना हो तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये ग्रब की स्क्रीन है, सो ग्रब की स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, तो आपने सिस्टम को रीबूट करना है, रीबूट करने के बाद ये स्क्रीन आएगी। जब ये स्क्रीन आ जाए तो आपने ये जो पहली पहली लाइन है ना जिसपे ये कर्नल का वर्जन लिखा हुआ,
4.1.8 इसको आपने यहाँ पे अगर इसको हमने सेलेक्ट करके एंटर करना है, तो सॉरी एंटर नहीं करना था, एडिट करना था। चलो बूट हो गया, इस पर भी बूट कर लो। मैं दोबारा रेडी बूट कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली जब भी सिर्फ रूट का पासवर्ड ब्रेक करने का मकसद नहीं है, जब भी कोई आपकी सिस्टम के अंदर कोई कोई करप्शन होती है, सॉर्ट ऑफ कोई जिस तरह ETCFS टैब फाइल के अंदर कोई मिस्टेक हो गई आपसे, या कोई पार्टीशन ऐसी थी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन दैट केस भी ये जो है ना क्या करता है, ये आपको ले जाता है उसमें। अल्लाह भला करे, इसको रिस्टार्ट करते हैं। ये आपको जो है वो इमरजेंसी मोड में या रेस्क्यू मोड में ले जाता है, तो फिर आपको वो मसला हल करना पड़ता है। अच्छा, ये हम आगे इसमें अब ई प्रेस करेंगे, आप ई फॉर एडिट, इस लाइन को पहली लाइन को सेलेक्ट करके, ठीक है, एडिट किया तो ये काफ़ी सारी आपके पास लंबी चौड़ी यहाँ पे लाइन आ रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आप कर्सर अगर लाइन, ये लिनक्स वाली लाइन पे, ये देख रहे हैं ये लिनक्स वाली लाइन है, ये आपको नजर आ रही होगी इंशाल्लाह। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरी लाइन समझ आ जानी कि ये लाइन क्या बता रही है आपको। अच्छा, वो उसमें जाने के लिए हम क्या, कौन सी की प्रेस करते हैं? एडिट, ई प्रेस करते हैं, ई फॉर एडिट, ई फॉर एडिट, ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब अपने कर्सर लाना है ये क्वाइट के आगे, ठीक है, तो यहाँ पे लाके कर्सर आपने मतलब ये जो कमांड है इसके आगे आपके लाके स्पेस देना है, और यहाँ पे आपने लिखना है rd.break, ठीक है, क्या लिखना है, rd.break। बेसिकली हम सीक्वेंस ब्रेक कर रहे हैं, ये rd.break का मतलब है कि कर्नल बेसिकली हम जो सिस्टम ग्रब को जो बूट लोडर है उसको ये बता रहे हैं कि भाई कर्नल को कंट्रोल ट्रांसफर करने वाला जो प्रोसेस है उसको ब्रेक कर दो। तो जब वो ब्रेक करेगा तो वो आपको ले जाएगा इमरजेंसी मोड में, ठीक है। तो मैं उसका वो पूरा फ्लो ब्रेक करना चाह रहा हूँ, rd.break इसलिए लिखा। तो जब ये लिख लें तो उसके बाद ब्रेक लिखने के बाद फिर आप यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो ये आपको बता रहा है प्रेस कंट्रोल एक्स टू स्टार्ट, अगर नीचे आप देखें, ठीक है, मैं यहाँ कंट्रोल एक्स मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा जब ये मैं एडिट कर दूंगा। तो जैसे अगर कंट्रोल एस एक्स प्रेस करना है आपने, तो कंट्रोल एक्स से ये अब जो मैंने इसको मॉडिफाई किया है, मैंने कर्नल की उसमें मॉडिफिकेशन की है, तो अब ये देखें मुझे कहाँ पे ले आया, अगर आप ऊपर पढ़ें एंटरिंग एमरजेंसी मोड, एमरजेंसी मोड, ठीक है। तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें रूट का पासवर्ड हम भूल गए हैं, रूट का पासवर्ड नहीं लग रहा, तो उसको हमने ब्रेक करना। अच्छा, उसके लिए फिर हम यहाँ पे सबसे पहले हमने ये करना है कि अच्छा जब हम इमरजेंसी मोड में आते हैं तो हमारा जो फाइल सिस्टम है ना, जो हमने देखा था अभी पिछले मॉड में भी रूट स्लैश ETC और स्लैश इस तरह हम कर रहे थे, सारी जो हमारा पूरा फाइल सिस्टम है वो रीड ओनली मोड में माउंट होता है कि हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इस वक्त करंटली। इमरजेंसी मोड में आपका फाइल सिस्टम जो है वो रीड ओनली मोड में होता है, आपकी कोई भी फाइल मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं कंटेंट्स को लेकिन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो रीड ओनली में खुलेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको दोबारा से माउंट करते हैं किसमें, रीड राइट मोड में। तो माइनस माउंट माइनस ओ कमांड आपको याद होगा, और उसमें रीमाउंट का ऑप्शन यूज करते हैं। ऑप्शंस में हम कह रहे हैं कि रीमाउंट करो, ठीक है, और विद रीड एंड राइट, और किसको कह रहे हैं, सिस रूट। आपका जो फाइल सिस्टम है ना जो बेसिकली रूट पे होता है, स्लैश स्लैश के अंदर होता है, तो जब आप इमरजेंसी मोड में आते हैं तो वो क्या करता है, आपका बेसिकली जो फाइल सिस्टम है उसको बेसिकली वो इस डायरेक्टरी में माउंट करता है स्लैश सिस रूट के अंदर। तो हम इसे कह रहे हैं पहली कमांड में कि भाई ये जो मेरा फाइल सिस्टम आपने रीड ओनली मोड में किया हुआ है इसको आप रीमाउंट करें इसमें रीड राइट मोड, ये मैं कमांड दे रहा हूँ उसको, ठीक है, क्लियर है, समझ आई कमांड? तो मैं इसको सॉरी एस्केप करके मैं इसको अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब इसने मेरे उसको क्या कर दिया,
रीड राइट मोड में ले आए, लेकिन जारी बात है यू बेटर नो कि हम जब किसी फाइल को वो एक्सेस करते हैं तो उसके ओरिजिनल पाथ एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी एक्सेस करूंगा तो सिस रूट और ये पूरा पाथ आएगा विच इज नॉट ओके। तो हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा कहते हैं कि सी एच रूट चेंज रूट, सी एच रूट कमांड होती है चेंज रूट, उसको कहते हैं कि इसको सिस रूट को का रूट चेंज कर दो, ठीक है। मेरा फाइल सिस्टम जो सिस रूट पे माउंट है उसको वापस इस कमांड से क्या होगा कि वो अब इस पे माउंट हो गई। तो अगर मैं ls स्लैश करूं तो ये देखें मेरे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आया हुआ वही वाला जो मेरे पास नॉर्मली आता। तो मेरी अब जो फाइल सिस्टम है वो प्रॉपर रूट जो स्लैश पे माउंट है रीड राइट मोड में अब मैं जो काम करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये कमांडें देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पास, अब पासवर्ड चेंज करना है ना, तो पासवर्ड कमांड चेंज करने के लिए किसी भी यूजर को क्या कमांड होती है, पास डब्ल्यू डी, पास डब्ल्यू डी आगे आप देंगे रूट, ये आपने अब ये न्यू पासवर्ड दे दें आप यहाँ पे, तो मैं इसको नया पासवर्ड दे देता हूँ, ये मैंने नया पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड चेंज हो गया। अच्छा पासवर्ड तो चेंज हो गया लेकिन अब होगा क्या, प्रॉब्लम ये हुई है कि क्योंकि हमने फाइल सिस्टम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, ये हमने उसको माउंट किया और फिर हमने ये कुछ फाइल्स में चेंजेस की, तो जब आप इमरजेंसी मोड में किसी फाइल, अब मॉडिफिकेशन कहाँ हुई, शेडो फाइल में मॉडिफिकेशन हुई होगी ना, ऐसे ही है ना, शेडो फाइल में वो जो हैश पासवर्ड होगा वो चेंज हो गया होगा। जब आप इमरजेंसी मोड में फाइल्स को चेंज करते हैं, हो सकता है आप कोई और फाइल भी चेंज करें, etcfs टैब को भी चेंज करें, आप कोई और भी फाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मकसद तो ये है ना कि ट्रबल शूट करना है, सिस्टम आपका जो है ना वो माउंट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे आके इमरजेंसी मोड में आके आपने फाइल सिस्टम को रीड राइट मोड में माउंट किया, उसको आपने फिर फाइल्स को मॉडिफाई किया और जो आपका काम कंप्लीट हो गया, तो अब आप जारी बात है यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि जब आप फाइल को मॉडिफाई करते हैं तो एस सी लिनक्स का जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना वो चेंज हो जाता है, तो जब आप यहाँ से रिबूट करेंगे तो हो सकता है आपका सिस्टम दोबारा क्रैश कर जाए, रीजन के एस सी लिनक्स के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो चेंज हो गए, तो वो चेंज हो सकते हैं। तो उनको आप चाहते हैं कि नहीं यार जब नेक्स्ट टाइम सिस्टम रिबूट हो तो वो चेक कर ले एस सी लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट को और उनको रिस्टोर कॉन वाली कमांड एग्जीक्यूट कर दे, समझने एट द बूट लेवल, ताकि जो एस सी लिनक्स के जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं, जितने टाइप्स जो मैंने मेंशन की होती हैं एट्रीब्यूट्स फाइल या डायरेक्टरीज के ऊपर, वो रिस्टोर हो जाए टू द ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। उसके लिए फिर हम एक कमांड देते हैं यहाँ पे टच स्लैश, ठीक है, और डॉट ऑटो रीलेबल, ठीक है, सॉरी ऑटो के स्पेलिंग के लिए टच स्लैश डॉट, हाँ मैं बताता हूँ, स्लैश ऑटो रीलेबल, ऑटो रीलेबल, ये कमांड ये आपने ऑटो रीलेबल, हाँ ये आपने इसको देनी है, क्योंकि ये जैसे आप इसको देंगे तो ये एंटर करेंगे आप, क्योंकि ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड बेसिकली हमें सिस्टम को बता रही है कि यार बिफोर गोइंग टू द रीबूट प्रोसेस आप पहले एस सी लिनक्स के जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं उनको रिस्टोर कर दो टू देयर ओरिजिनल स्टेट, ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। तो आप इसको एग्जिट करेंगे, एग्जिट पहला एग्जिट जो है वो क्या करेगा, वो आपका जो चेंज रूट आपने किया था रूट से सिस रूट पे दोबारा आ गया, अब नेक्स्ट एग्जिट जो है वो आपको वापस लेके जाएगा रिबूट की तरफ, तो ये लॉग आउट हो गया आपको, अब ये रिबूट होगा, और रिबूट होने से पहले अगर आप देखें तो ये अब क्या करेगा, ये बेसिकली अगर आप देखें तो री लेबलिंग कर रही है, अगर आप मैसेज देखें तो अब यहाँ पे बेसिकली ये एससी लिनक्स के जो री लेबलिंग है उसको ले वार्निंग भी दी है इसने, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये एस सी लिनक्स के ये देखें ये लॉग्स आ रहे हैं, उसने कहा जी री लेबल इज रिक्वायर्ड, तो अब ये क्या कर रहा है, आपकी फाइल सिस्टम को री लेबल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशंस जो उसकी डेटाबेस के अंदर है। अब ये देखें री लेबलिंग स्लैश बूट स्लैश डेव, तमाम जितना भी फाइल सिस्टम है आपकी डायरेक्टरीज फाइल्स उनको री लेबल कर रहा है, और वंस जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये आपको अपना ले जाएगा बूट की तरफ। तो ये अब इसके बाद आप इसको जो है वो सिंपल जब बूट होगा तो रूट का पासवर्ड आपने, ये बेसिकली आर एस सी एस ए का जो एग्जाम होता है उसमें पहला पहला क्वेश्चन ही होता है, होता यूं है कि आपको सिस्टम दे देते हैं
और रूट का पासवर्ड नहीं देते आपको, ना स्टूडेंट का ना रूट का। तो सबसे पहला काम ही आपको ये करना पड़ता है कि आपको सिस्टम के ये प्रोसेस करके रूट का पासवर्ड आप ब्रेक करते हैं, यहाँ से पासवर्ड चेंज करते हैं और फिर सिस्टम में एंटर होते हैं और फिर बाकी टास्क परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला टास्क नहीं होता। अच्छा, यानी कि ड्यूरिंग दिस टाइम तो सारी सर्विसेज अफेक्टेड होंगी, जो भी जारी बात है सिस्टम रिबूट हो रहा है। हाँ, लेकिन ये सही बात है, सिस्टम आपका डाउन हो गया ना, मतलब सिचुएशन आ गई ना कि आपका सिस्टम इस मोड में क्यों आता है, जब इस मोड में आप क्यों लाते हैं सिस्टम को, जब आपका कोई मसला हो गया। मैंने आपको एक सिनेरियो दिया कि रूट का पासवर्ड भूल गए तो आपने ब्रेक कर लिया। दूसरा मैंने आपको सिनेरियो दिया कि एफएस टैब के अंदर आपने एक माउंट पॉइंट डिफाइन किया हुआ था, तो वो माउंट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, या आपने गलती से वो डिलीट हो गया, या पार्टीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन दैट केस भी आपको ये इमरजेंसी मोड में लेगा, इस मोड में लेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईटीसी एफएस टैब के अंदर एंट्री चेंज करनी पड़ेगी या डिलीट करनी पड़ेगी, और फिर यही प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा, ये जो मैंने अभी आपको सिंपल, ये जो मैंने पास डब्ल्यू डी रूट किया ना, इसकी जगह पे वो जो एक्शन जो भी आपने ट्रबल शूटिंग का टास्क करना वो करेंगे, परफॉर्म करने के बाद आप फिर उसको ये परफॉर्म करके बाकी कमांड्स देंगे, एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज आपने हाँ, बस ये देखे ना, अभी आप देखें तो ये रीलेबलिंग कर रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है रीलेबलिंग, जारी बात है इसने पूरे उसको फाइल सिस्टम को रीलेबल करना होता है। तो अगर आप ये टच कमांड नहीं देंगे ऑटो रीलेबल, ये फाइल क्रिएट नहीं करेंगे, ये बेसिकली एक फाइल क्रिएट करता है डॉट ऑटो रीलेबल, ये हिडन फाइल एक क्रिएट करता है, ये सिर्फ बताने के लिए एस सी लिनक्स के उसको कि जनाब इसको रीलेबल करना है। तो अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे और एग्जिट कर देंगे बगैर इसके, तो सिस्टम आपका क्रैश स्टेट में आ जाएगा और फिर आप उसको रिकवर शायद ना कर सकें। एग्जाम के अंदर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें वो चल रहे होते हैं उनके उनकी सर वो अपना अलर्ट अपना क्या कहते हैं वो सर्विसेज चल रही होती हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही होती हैं, उनके प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो इसलिए बड़ी एहतियात प्रैक्टिस करेंगे आप दो चार दफा तो आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनाब आपका है इसका। और इसी तरह अब लेट्स सपोज अगर आपकी एफ एस टैब जो फाइल है, जैसे मैंने अभी बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें कोई एंट्री मिस्टेक हो गई आपसे, आपने सिंटेक्स चेक किए बगैर जो है ना उसको सेव करके बाहर निकल आए और रिबूट कर दिया, और पता चला जनाब उसमें कोई आपने प्लस माइनस की गलती कर दी, तो फिर आपको सिस्टम फोर्सफुली इसी मोड में ले आएगा, मतलब ये इसी यही स्विच रूट वाला कमांड दे देगा आपको, एमरजेंसी मोड में ले आएगा। तो यहाँ से फिर आपने क्या करना है, वही जो मैंने बताया है, आपने बेसिकली माउंट करना है उसको फाइल सिस्टम को। ये देखें ये ग्रब की स्क्रीन आ गई दोबारा, अब इसको हम बूट करने देते हैं। तो आपने बिल्कुल यही स्टेप्स लेने हैं, माउंट करना है सिस्टम को रीड राइट मोड में, फिर आपने चेंज रूट करना है, और फिर आपने vim/etc/fstab करना है, और उसके अंदर जो एंट्री देखें उसमें सिंटैक्स का कोई मसला है तो उसको चेंज करें और फिर जाके उसको आप कर सकते हैं। तो ये जनाब बूट हो गया सिस्टम और दैट्स इट। नहीं तो अभी जैसे हमने जो पासवर्ड रखा है वही हम चाह रहे वही रखे रहने दें। हाँ तो वही चेंज हो गया ना, वही पासवर्ड चेंज हो गया। हाँ चेंज हो गया। हाँ तो अभी जो आप बता रहे थे वो एफएस टैब में जाने का वो किस वजह से बता रहे थे? हाँ वो बता रहा था कि मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं लॉगिन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो ये जनाब आपका ठीक है, अभी ये आ गया, और मैं अगर su माइनस करूँ तो ये मुझसे रूट का पासवर्ड लेगा जो मैंने अभी सेट किया है, वो पासवर्ड मैं इसको दिया मैंने, तो ये देखें वही पासवर्ड लग गया। तो ये बेसिकली इसका है मकसद। अच्छा एफ एस टैब की मैं जो बात कर रहा था वो मैं कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ sudo vim /etc/fstab, ये बेसिकली किस फाइल हम किस लिए यूज करते हैं कि जितने भी हमारे माउंट पार्टीशन हैं जितने भी उनके ये माउंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप ये सारे माउंट पॉइंट्स ये जो हमने कल किए थे। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई मैं जो है ना वो एक कोई हम टेक्निकल मिस्टेक डाल देते हैं। Let's suppose में यहाँ पे जो है वो इसकी आईडी में इसकी वजह से आता है इशू।
हाँ ये मैं देखें, मैंने आईडी में ना 86 निकाल दिए, आखिरी जो हाँ फोर डिजिट्स हैं रॉन्ग रॉन्ग वो आईडी दे दी। हाँ, रॉन्ग रॉन्ग आईडी है, मिस्टेकनली हो गया। अब मैं इसको रीबूट करता हूँ, इनिट सिक्स। तो वो तो अच्छा वो रिबूट ही नहीं होगा फिर। नहीं, रिबूट हो गया। अब देखें होता क्या है, मतलब हम देख लेते हैं ना। तो हमें रेड हैट कहता है जनाब कि अगर आपके एफएस टैब के अंदर कोई गड़बड़ है तो ये आगे नहीं जाएगा, ये आपको एमरजेंसी में अच्छा जाना अच्छा पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये बकौल रेड हैट के। तो हम देखते हैं कि ये आगे क्या करता। तो ये बूट हो रहा है, और बूट होने के बाद अब ये देखते हैं। ये अगर आपने देखा हो तो कर्नल की लाइन में एक चार करेक्टर आ रहे, एक वर्ड आ रहा था RHGB, रेड हैट ग्राफिकल बूट। ये उसके लिए अच्छा था। अगर आप चाहते हैं नहीं आपको वो मैसेजेस नजर आए कर्नल के बैकएंड के ऊपर, ये इसमें ऑल्ट ये प्रेस होता है, ऑल्ट फंक्शन F9, कंट्रोल ऑल्ट फंक्शन अच्छा F9। फिर यानी कि ये बूट ही होगा फिर, हमें ऑब्वियसली वही जाके वहां हाँ पर एमरजेंसी मोड में जाना होगा। हाँ इमरजेंसी मोड में जाके फिर FS टैब की फाइल में आप उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, और फिर उस पे वो वो सिंटेक्स वही सेम ही होगा, वही VIM वो हाँ करके। अच्छा वो आप चेंज करेंगे, उसको ठीक करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा 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 तो ठीक है। फिर ये आपका सिस्टम जो है ना वो प्रॉपरली बूट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस एक्सरसाइज का मकसद आपको बताना ये था कि जब आप इमरजेंसी मोड में जाएं तो आपने फाइल सिस्टम को पहले रीड राइट मोड में उसको रिमाउंट करना है, और फिर उसका चेंज रूट करके आप उसको प्रॉपर एक जैसा एक नॉर्मल फाइल सिस्टम होता है उसमें लेके आए। एंड देन जो भी आपने ट्रबल शूट करना है, कोई फाइल, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई आपसे मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से सिस्टम आपका क्रैश कर रहा है, तो आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करेक्शन करनी है करें। करने के बाद फिर आप उसको टच कमांड ऑटो रिलेबल कर दें, ताकि ऐसी लिनक्स के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो चाहिए वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए, एंड देन एग्जिट एग्जिट रिबूट कर दें, और दैट्स इट। अब ये देखें, ठीक ये सिस्टम मेरा जो है ना वो भाई मेरा जो है ना अभी तक स्क्रीन अभी हाँ ठीक है, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो तलाश कर रहा है उसको। बैकएंड के ऊपर अगर उसके हम लॉग्स देखें तो वो बेसिकली तलाश कर रहा है उसको, उसको नहीं मिल रहा। तो अभी ये देखिए आगे हमारे पास, लेकिन क्योंकि मैंने वो जो की थी वो हमारी थी स्वैप पार्टीशन, तो हम एक काम करते हैं, हमने सिंटेक्स एरर नहीं दिया, हमने बेसिकली एक वो किया है इसको, एक हमने आईडी गलत दी, तो हम सिंटेक्स एरर भी डालते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। ये मैंने एक लॉजिकल एरर डाला था उस फाइल के अंदर, मैं इसको अगर आप फ्री कमांड देखें स्वैप पार्टीशन में, अगर आप देखें तो वो जो 1 GB की पार्टीशन है वो माउंट नहीं हुई, देख रहे हैं ये 2 GB आ रही है, 3 GB आनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये मसला हो गया। अच्छा, VIM ATC FS tab, अच्छा लेकिन ये ये आप, इसको ये तो एक्चुअली बूट हो चुका है ना। हाँ बूट हो गया, लेकिन क्योंकि हमने डाला है लॉजिकल एरर। मैं डालता हूँ जरा अच्छा एक अच्छा एक काम मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट, और मैं ये UUID भी निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं ये सिंटेक्स एरर डाल देता हूँ, अभी एक सिंटेक्स एरर है इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे 86 लिख देते हैं ताकि हमें हाँ दिक्कत हो वापस जाए। डाल दे। ठीक है हाँ अब ये मैंने सिंटेक्स एरर डाल दिया, मैंने UUID इज इक्वल टू रिमूव कर दिया। अब देखते हैं, हम इसको दोबारा रिबूट करते हैं, init 6। तो देखते हैं, लेट्स सी। ये टाइमर नीचे चल रहा होता तो आप ये, अब देखते हैं कि लेट्स सी अब क्या होता। अगर इस पे भी ये हो गया तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्लैश बूट की पार्टीशन है या दूसरी जो पार्टीशन है रूट की, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो अभी एक और काम करते हैं।
जो इसकी बेस वाली जो तीन पार्टीशन जो हमने ओएस इंस्टॉलेशन के दौरान बनाई थी हम उनको छेड़ते हैं। ये एरर दे रहा है तो हम ये काम करते हैं, हम करते हैं कि जो हमारी ये रूट की पार्टीशन है ठीक है इसमें मैं कोई एरर डाल देता हूं। ये मैंने एरर डाल दी ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि अब क्या करता है। अब मैंने जो रूट फाइल सिस्टम था स्लैश उसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। पहले हमने स्वैप में गड़बड़ की, अब इसमें गड़बड़ कर दी है, देखते हैं कि इसमें रूट 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 वाले पार्टीशन में गड़बड़ की है ना। हाँ जो मेन पार्टीशन है ना स्लैश वाली। तो अगर अभी भी ये बूट हो रहा है तो इट मींस कि ये कहीं से बैकअप कॉपी उठा रहा है। ठीक है हाँ बूट हो रहा है शायद। हाँ इट मींस कि ये किसी जगह से fs tab की बैकअप कॉपी उठा रहा है ये बूट हमारे पास। मतलब नॉर्मली आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इशू होता है। प्रीवियस वर्जन में ये इशू बेसिकली था, इसमें मेरा ख्याल है इन्होंने फिर इसको कवर कर लिया। ये कोई बैकअप इसकी जो माउंटिंग है वो बेसिकली बैकअप अपने पास रखता है या बूट के पास ऑलरेडी ये कर लेता, तो जिसकी वजह से ये इशू उसके पास नहीं आ रहा। अदरवाइज जो प्रीवियस वर्जन है उसमें ये नॉन इशू है कि fstab के अंदर आप कोई भी चेंज कर लें। तो चलो ये मैं देख लूँगा, मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हैं सिस्टम के अंदर तो उसमें कुछ लाए हैं चेंजेस, तो हम इसको दोबारा से कर देते हैं इंसर्ट। हाँ इसको ठीक कर दें। अच्छा एक मिनट में एक और काम करता हूँ, एक और काम करता हूँ पहले सिस्टम sudo system ctl रिपोर्ट। वो रीलोड हाँ की स्पेलिंग रॉन्ग हुई थी। हाँ नहीं वो हाँ sudo system ctl daemon reload नहीं वो रीलोड की स्पेलिंग रॉन्ग हुई थी। ओके ओके हाँ ठीक है। मैं वही देख रहा था कि अच्छा ये कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है जब आपने मॉडिफिकेशन की है, तो लेट्स सी अभी देखते हैं ये कमांड रीलोड मॉडिफाई करने में, तो ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद डेमन रीलोड तो फिर fs tab की जो चेंजेस हैं वो सिस्टम डी को दे भेजता है, तो वो मैंने रीलोड वाला डेमन रीलोड जो ऑप्शन है उसको यूज किया, तो अभी देखते हैं ठीक है कि ये बूट होता है कि नहीं होता। बहरहाल ये एक नॉन इशू था प्रीवियस वर्जन में कि fs tab के अंदर आप कोई अगर एंट्री मिस्टेकनली आपने कुछ कोई एरर्स हैं उसके अंदर तो ये बूट नहीं करता था और ये इमरजेंसी मोड में उसको ले आता था। तो सिंपल बेसिकली बताने का मकसद ये था कि इस किस्म का कोई भी इशू जब आता है ना सिस्टम क्रैश करता तो वो इमरजेंसी मोड में चला जाता है जिस तरह भी आपके पास आया। तो जब सिस्टम इमरजेंसी मोड में जाए तो इट मीन्स के आपका सिस्टम जो है ना वो किसी वजह से क्रैश कर किसी रीजन की वजह से, तो वो आप फिर लॉग्स पढ़ेंगे, लॉग्स में वो आपको बताएगा कि जनाब ये इशू है सिस्टम के साथ, फिर आप उसके बेस पे उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जाके चेक करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे एरर्स को। तो मैं कोशिश की थी कि आपको वही पुराना सिनेरियो दिखाऊं लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने इसको करेक्ट कर लिया है, पुराने उसमें ये एक नॉन सिनेरियो था हो जाना था पासवर्ड हम ब्रेक करते हैं। हाँ तो ये नहीं मतलब ये कि उन्होंने अब इसको ठीक कर लिया होगा,
कि उन्होंने इसकी बैकअप कॉपी या सिस्टम ने खुद से एक इन्फॉर्मेशन रखी होगी कि हार्ड डिस्क के ऊपर किस उसके ऊपर जो है ना वो मैप हुई, क्योंकि ये इसकी पार्टीशन की मैपिंग है, रूट की है, आप देख रहे हैं, तो ये हमने की और हम इसके बाद ये ठीक है ये हमने इसको राइट कर दिया और फिर हम सिस्टम सीटीएल सूडो डाल देते हैं और डीमन रीबूट, ये कमांड बेसिकली अपडेट देती है और उसके बाद हम माउंट माइनस ए कर देंगे। सॉरी अभी देखते हैं फ्री कमांड में क्या आ रहा है, स्वैप स्पेस 2GB आ रही है, तो अभी हम सूडो माउंट माइनस ए करते हैं और अभी फ्री कमांड देखते हैं तो अभी भी हमारे पास स्वैप ऑन स्वैप स्वैप ऑन, अच्छा हमारे पास ठीक है अच्छा तो ये जनाब हमारा हो गया, अल्लाह ना करे रिगार्डिंग ट्रबल शूटिंग के हवाले से, और इसमें अब हमारे पास ने देखा कि किस तरीके से हम रूट का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, तो अच्छा और इसके अलावा फ्री कमांड से हम चेक करें 2GB आ रही है अभी, स्वैप ऑन शो, अच्छा एक ही पार्टीशन आ रही है ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टीशन ऑन नहीं है यानी बनी हुई है ऑलरेडी, हमने सिर्फ वो उसको सुडो दोबारा हम देखते हैं फ्री कमांड चला के, अच्छा ठीक है स्वैप ऑन, अब ये देखा हमने कि स्वैप ऑन माइनस ए आपको वो जो हमने लास्ट लेक्चर में चलाई थी वो आपको फ्री चले तो अब जो है वो फ्री कमांड अगर हम चलाएं तो अब ये 3GB ठीक है तो खैर, लेकिन ये तो तय है कि जब आप पार्टीशन में कोई एरर डालेंगे तो वो पार्टीशन माउंट नहीं होगी, उसमें कुछ इश्यूज आएंगे जो स्वैप की पार्टीशन माउंट नहीं की उसने, लेकिन ये है कि वो मैं चेक कर लूंगा कि बैकअप ये जो इसकी सिस्टम डी जो है इस एफ एस टैप की बैकअप कॉपी कहाँ पे रखता है ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि उन्होंने सिस्टम में थोड़ी चेंज किए, अदरवाइज पिछले वर्जन में आप ये मसला था तो उसको आप फिर इस तरह सॉल्व कर देते, तो ये जनाब आज हमने देखा कि किस तरीके से हम सर्विसेज को उनकी प्रोफाइल को चेंज या कर सकते हैं और प्लस ये कि किस तरीके से हम शूट कर सकते हैं। ठीक है कल इंशाल्लाह हम लोग नेटवर्क, कल तो क्लास नहीं है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेटवर्किंग का मॉड्यूल है, फिर लॉगिंग का मॉड्यूल है, फिर एडवांस स्टोरेज का मॉड्यूल है वो इंशाल्लाह करेंगे, फिर उसमें हाउ टू कनेक्ट एनएफएस नेटवर्क पार्टीशन जो होती है उसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। चलें ठीक है जी, तो क्वेश्चन वगैरह कोई आज के लेक्चर के हवाले से? नहीं चलें ठीक है इंशाल्लाह, फिर कल फिर मुलाकात अपना नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, फिर वेडनेसडे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह, ठीक है सर, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़।